particular word, then we are very clear that this particular form, we have to summarize whatever has been done, either in terms of tax payment, either in terms of input tax credit, or in terms of any declaration in terms of non-tax turnovers. So बहुत सारी चीजों का एक समराइजेशन है GSTR में, बट उससे बड़ी बात है ये जो एनुअल रिटर्न और ऑडिट के फॉर्म्स हम अभी फाइल कर रहे हैं, ये सभी के सभी फॉर्म्स जो हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट होंगे इन दी कमिंग डेज फॉर डिपार्टमेंटल ऑडिट्स. व्हाई आई एम सेइंग सो, दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट्स, बिकॉज फ्रॉम योर GSTR 3B, वट एवर वी हैव फाइल्ड इन GSTR 3B, नो वन कैन मेक आउट टू वॉट पीरियड दैट पर्टिकुलर टैक्स पर्टेन्स. सो लेट मी गिव यू वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, रिटर्न इन ऑगस्ट फोर एज पर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वॉज वेयर द टर्न से 10 लाख रुपीज, दी अमाउंट एज 1 लाख रुपीज इन दी रिटर्न, बट यू केम टू नो अबाउट द इशू एंड इन अक्टूबर 2018 ओनली यू रेक्टिफाइड द इशू. तो अब हुआ क्या, आपकी जो दो रिटर्न्स हैं 2018 की और अक्टूबर 2018 की, दोनों के अंदर एक चेंज आ गया, दोनों ही आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं करती, एक में टर्नओवर कम है. सो ये जो स्पिलिंग ओवर ऑफ टर्नओवर्स है, क्योंकि जीएसटी के अंदर वी हैव नॉट बीन गिवन एन ऑप्शन टू रिवाइज आवर रिटर्न, सो दी फॉर यू नो दी फॉल थ्रू ऑफ एनी एरर्स और करेक्शंस विल बी इन दी सब्सिक्वेंट पीरियड्स. जीएसटीआर 9, इट्स अ ब्रिज व्हिच इज अलाउइंग अस टू कंपाइल द एंटायर डिक्लेरेशन फॉर अ पर्टिकुलर ईयर. आई एम नॉट सेइंग रिकंसिलिएशन, प्लीज फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टर्म. आई एम सेइंग वी आर कंपाइलिंग दी टैक्सेस पेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ड्यूरिंग 18-19 इन दिस पर्टिकुलर एनुअल रिटर्न. वी आर नॉट रिकनसाइलिंग दिस विद आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट वॉट इट इज डूइंग इज इट इज ब्रिजिंग दी टैक्सेस विच आर रिलेटेबल टू 18-19 पेड आइदर इन 17-18 और 19-20 एंड नॉट मियरली इन 18-19. सो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है, सर एक है कि मैंने आज तक सपोज 10 लाख की टर्नओवर थी, उस पर टैक्स पे करा ही नहीं. इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन सर, मेरे फॉर्म 9 के अंदर वो वाली अमाउंट आएगी ही नहीं. बट ऑन दी अदर साइड, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर वी आर टॉकिंग अबाउट अ टर्नओवर जहां पर 18-19 का 10 लाख रुपए की टर्नओवर का टैक्स 19-20 में पे हुआ, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के वो जो एक कंपाइलेशन है 18-19 के टैक्स की, वो इस एनुअल रिटर्न के माध्यम से मिल जाएगी. सो एनी टर्नओवर ऑन विच टैक्सेस इज नॉट पेड इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनुअल रिटर्न, इट मे बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट फॉर्म GSTR 9C, बट एनी टर्नओवर विच रिलेट्स टू 18-19 ऑन विच टैक्सेस हैज बीन पेड आइदर इन द प्रीसीडिंग ईयर और इन द सब्सिक्वेंट ईयर, दैट इज डेफिनेटली अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एनुअल रिटर्न एंड दैट इज वॉट वी हैव टू फोकस ऑन. Now there are very important issues. There are errors which has been done, you know, committed by the taxpayers in GSTR 3B, GSTR 1. क्या किसी taxpayer की बिल्कुल perfect GSTR 1, 3B है sir? I don't think anyone of us who is sitting in this webinar can say, नहीं sir, मेरे सारे clients के तीनों चीजें match करती हैं, 1, 3B और books of accounts. Sir, क्या किसी भी असेसी के केस पर, किसी भी टैक्स पेयर के केस के अंदर कोई भी रेक्टिफिकेशन आपने सब्सिक्वेंटली करी है? प्लेथोरा सर, मेनी ऑफ इट. आपने GSTR 1 की भी करी है, 3B की भी करी है. 1 की जो है वो नॉट हैव अ फाइनेंशियल इम्पैक्ट डायरेक्टली, बिकॉज वो कहीं पे भी हमारी लिंक नहीं है टैक्स पेमेंट से. बट 3B के अंदर अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो रिटर्न भी है और हमारे टैक्स पे करने का माध्यम भी है, तो वो रिटर्न तब तक हमारा पोर्टल अलाउ नहीं करता जब तक उसका टैक्स पे नहीं हो जाता. आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एनोमलीज विच विल सूनर बी टेकन अप बाय द कोर्ट, दैट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ ब्लॉकेज ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग अ टैक्स पेयर टू फाइल हिज रिटर्न विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स शुड ऑल्सो बी हेल्ड टू बी अल्ट्रा वायस द स्कीम ऑफ द एक्ट. सो उस एक्ट ने ये नहीं कहा था कि आप इसको रोकेंगे, ये तो पूरा मैकेनिज्म एक GSTN जिस तरीके से बन गया. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैनी
changes, many corrections, I would say, have been done in this particular system. And nobody is to be blamed on that. Reason being, in the initial year, in the very first year, second year, everybody was learning this new act. But by that time, the government also realized that the way this particular scheme of returns has been envisaged is not gelling with the entire thought process of the taxpayer. अगर हम पुराने रिजीम की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर कोई वैट की अगर आपकी रिटर्न गलत हो जाती थी तो आप क्या करते थे? आप जाकर उसको रिवाइज करते थे. अगर आपकी सर्विस टैक्स की रिटर्न गलत होती थी आप क्या करते थे? एंड सो इज द केस विद एक्साइज. सो एवरीबडी वॉज इन द हैबिट ऑफ कीपिंग और रिवाइजिंग द रिटर्न एंड ब्रिंगिंग द रिटर्न टू द करेक्ट लेवल. बट जीएसटी ने क्या कहा, सर रिविजन नहीं है. क्या है, आप अपनी रेक्टिफिकेशन करते रहिए, जैसे जैसे आगे आपके सामने गलती आएंगी. सर अब गलतियां भी कई तरीके की थी. एक तो था टैक्स कम पे हुआ, वो तो एक आसान गलती मैं कहूंगा, या मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया या ज्यादा ले लिया. इन सब गलतियों को ठीक करना फिर भी कंपैरेटिवली आसान था. बट देर आर कॉलम्स विच वर नॉट अवेलेबल इन द रिटर्न पर से. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज किसी महीने में आपका सेल की वैल्यू है 100 रुपए और आपने उस महीने 150 रुपए के क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो क्या वो आप सीबी के अंदर जो -50 रुपीज है क्या आप शो कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते. सो आपको क्या करना है, वो आप सब्सिक्वेंट रिटर्न्स के अंदर आप उसकी एडजस्टमेंट सीयू मोटो ले सकते हैं. क्या आप रिफंड मांग सकते हैं गवर्नमेंट से? सर वो रिफंड आपको नहीं मिलेगा क्योंकि देर आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड केसेस वेयर रिफंड इज अलाउड एज पर सेक्शन 54. सो वी आर नॉट गोइंग इन टू द एंट्री केसेस ऑफ वेन दी रिफंड विल बी अवेलेबल. बट अगर हमारी कोई गलती होती है तो उसका जो करेक्शन है वो हमें उस मंथ के रिटर्न को रिवाइज करके नहीं है, वो सब्सिक्वेंट रिटर्न के अंदर हमें मिलता है. तो सर एनुअल रिटर्न में हमने क्या करा, हमने जहां जहां 18-19 का टैक्स पे किया है, चाहे 17-18 में ज्यादा पे एडजस्टमेंट ली, 18-19 में पे किया उसको लिया, या 19-20 में किया, इन सब टैक्सेस को हम एनुअल रिटर्न के माध्यम से एक जगह पर गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं. आई होप दी एंटायर स्कीम ऑफ एनुअल रिटर्न इज क्लियर विद यू. और विजावी ऑडिट, अगर हम 9C की बात करें, 9C कहता है कि ठीक है साहब, आपने जो टैक्सेस पे करे हैं अपने एनुअल रिटर्न में, उसको आप प्लीज अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल्स के साथ हमें रिकनसाइल करके बता दीजिए कि वो पेमेंट्स रिकनसाइल्ड हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, एंड दिस पर्टिकुलर ड्यूटी हैज बिन कास्टेड ऑन द प्रोफेशनल ब्रदरन. एंड आई होप लास्ट ईयर जब 17-18 के ऑडिट्स हुए थे, देयर वर नंबर ऑफ इश्यूज विच केम अप टू यू, बिकॉज ऑडिट पहली बार ही हम कर रहे थे. बहुत सारे कॉलम्स, बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने एकदम नई आई, लास्ट मोमेंट पे आई, ऑडिट हुए, बट दैट पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग विल मैच्योर. ऐसा नहीं था जिस साल में हमने पहले सबसे पहले में साल में टैक्स ऑडिट किए थे वी वर परफेक्ट. नो सर, एवरीबडी इज ग्रोइंग एंड लर्निंग इन अ मैनर वेयर एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड कि करेक्शंस जितनी जल्दी हो जाए उतना ही इस पर्टिकुलर सिस्टम में सेवियर, एंड दैट शुड बी दी अप्रोच. आप किसी भी टैक्स पेयर की बात करें, उसकी कोई भी गलती थी, हम एक अच्छे प्रोफेशनल तभी हैं अगर हम उसकी गलतियों को, लूपहोल्स को, कितनी जल्दी हम उसकी गलतियां ठीक करवा सकते हैं ताकि उसका इंटरेस्ट, पेनल्टी, वो सब खत्म हो जाए. नाउ फ्रेंड्स, कमिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर थिंग, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सबसे पहले ये समझना है एनुअल रिटर्न भरनी किसने है. एनुअल रिटर्न भरनी है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर 51 एंड 52. वो क्या सर? टीडीएस एंड टीसीएस. अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन चार लोगों के अलावा एवरी पर्सन हैज टू फाइल दी एनुअल रिटर्न. एंड विच पर्सन सर? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन. सो अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड इज नॉट सपोज टू फाइल दी एनुअल रिटर्न. नाउ वॉट डू वी मीन बाई रजिस्टर्ड पर्सन? रजिस्टर्ड पर्सन इज टू बी सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ईयर ऑफ विच एनुअल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड. इफ एनुअल रिटर्न इज नॉट बींग फाइल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर केस, माय डियर फ्रेंड्स, वो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बीच में जब आता है, थोड़ा सा फ्लो टूट जाता है. जब आपके क्वेश्चंस होंगे यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक देम. और ऐसी बात नहीं है, अभी हम बहुत सारे वाले हैं आपस में, तो प्रयोग हम तब करेंगे. अब मैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन में सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, इनफॉर्म टू दिस पर्टिकुलर आंसर. मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास जुलाई 2019 बैंक स्टेटमेंट्स और फॉर्म 16 वगैरह सब कुछ देखे,
एंड देन यू टोल्ड मी कि गौरव आपने तो रेंटल इनकम आपने अर्न करी है टू द ट्यून ऑफ 24 लाख, आपने कभी बताया नहीं। मैंने कहा सर मेरे को लगा नहीं क्योंकि मैं रिटर्न हर साल आखिरी में ही आके भरता हूँ। कहते नहीं, 20 लाख से ऊपर की सर्विस अगर आप देते हैं जो कि टैक्सेबल और एग्जाम सर्विस मिलाकर है, तब आपको अपने आप को GST में रजिस्टर करना पड़ेगा। मैंने कहा सर अब जो गलती हो गई सो हो गई 18-19 की, आप एक बार ही मेरे को रजिस्टर करा दीजिए। तो आपने मेरे को जुलाई 2019 में रजिस्ट्रेशन करवाई और आपने मेरे को जुलाई 2019 में ही जो मेरा टैक्स बनता था आफ्टर द लिमिट ऑफ 20 लाख, थ्रेशोल्ड ऑफ 20 लाख, आपने वो पे करा दिया विच वॉज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 18-19। नाउ रादर देन ओपनिंग द माइक, कैन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पुट इनटू द चैट बॉक्स, क्या मुझको 18-19 की एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, यस और नो? फ्रेंड्स थोड़ा सा चैट बॉक्स यू पुट यस और नो, क्या हमें इसको फाइल करने की जरूरत है वॉट एवर 18-19 हमारी एनुअल रिटर्न है। राइट फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव गॉट नोस एंड आई हैव ऑल्सो गॉट अ यस फ्रॉम वन ऑफ द मेंबर। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी आपके केसेस ऐसे हैं जो आज रजिस्टर्ड हैं पर 18-19 में रजिस्टर्ड नहीं थे, इवन दो आपने उनका टैक्स कभी भी पे करा हो, यू आर नॉट सपोज टू फाइल दी एनुअल रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड सर। यू आर ओनली सपोज टू फाइल दी एनुअल रिटर्न फॉर द पीरियड इन विच दी एसएससी वॉज रजिस्टर्ड, बिकॉज देन एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर ओनली विल बी कंसिडर्ड। राइट, सो शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। सर नॉर्थ कैंपस तो हमेशा से एक बहुत एक्टिव स्टडी ग्रुप रहा है, आज मैं देख रहा हूँ थोड़ा पार्टिसिपेशन मेंबर्स का कम है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे आज तक आपने सबने जोर से एक हमेशा मीटिंग हुई है, मैं जानता हूँ नॉर्थ कैंपस में कभी भी भीड़ नहीं आई है, इट इज़ ऑलवेज द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी। सो आई वुड रिक्वेस्ट आपके जो भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पर्टेन में हो या जो आपकी इंटरेक्शन है उसको प्लीज बनाएं, ताकि ये इवन दो वी आर वर्चुअली टुगेदर, यस आई कैन टेल यू द लर्निंग इज ऑलवेज ऑन वेदर वर्चुअल और फिजिकल। सो फ्रेंड्स मूविंग फर्दर, शेल फर्निश एन एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब ऑन और बिफोर द 31st डे ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। सो फ्रेंड्स ये डेट जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ती चली गई एज वी ऑल नो, एंड देयर फोर वी आर नाउ सिटिंग विद द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19 एनुअल रिटर्न एज 30th ऑफ सेप्टेम्बर 2020। नाउ रूल 80 सब रूल 1 सेज एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अगेन एक्सक्लूडिंग दी फोर कैटेगरी शेल फर्निश एन एनुअल रिटर्न एज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 इलेक्ट्रॉनिकली इन जीएसटी आर 9 थ्रू दी कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर। सो हमारे स्टैच्यूटरी प्रोविजंस के अंदर जो सबसे कीवर्ड था वो था एनुअल रिटर्न, जो मैंने आप रजिस्टर्ड पर्सन जो मैंने अभी आप सबसे डिस्कस किया। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट इज दिस एनुअल रिटर्न ऑल अबाउट, ये पूरा एनुअल रिटर्न का फॉर्म जो है ये 6 भागों में बटा हुआ है और टोटल इसके 19 टेबल्स हैं। पॉइंट नंबर 1 बेसिक डिटेल से आपसे मांगता है, पॉइंट नंबर 2 आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज जिस पे आपने टैक्स देना है वो डिटेल आपसे मांगता है, आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई की डिटेल आपसे मांगता है। पॉइंट नंबर 3 जो कि टेबल नंबर 6 to 8 है वो आपसे आपकी ITC की डिटेल मांगता है, आपने कितना क्रेडिट लिया। पॉइंट नंबर 4 आपसे टैक्स पेमेंट की डिटेल मांगता है। पॉइंट नंबर 5 वो जो ब्रिजिंग की मैं बात कर रहा था कि भाई आपको इकट्ठा करके बताना है कि आपने 17-18 में कितना पे किया और 19-20 में कितना पे किया रिलेटिंग टू 18-19, दैट पर्टिकुलर ब्रिजिंग इज डन बाय पॉइंट नंबर 5। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 6 व्हिच इज अदर इंफॉर्मेशन, आई एम अवेयर दैट एवरी वन ऑफ यू नो that these particular tables from 15 to 19, if you look into the form, they have been made optional for the financial year 17-18 and 18-19. So instructions के अंदर उन्होंने ये कह दिया था, department government ने ये change कर दिया था by way of CGST 7th amendment rules 2019, for the financial year 17-18 and 18-19, the registered person shall have an option
नॉट टू फिल और ऑप्शन टू फिल दिस पर्टिकुलर टेबल। सो ये जितनी टेबल्स हैं पॉइंट नंबर सिक्स की, ये सारी ऑप्शनल हैं, इसमें से कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जो मैंडेटरी है। अब मैं जब आऊंगा इन टेबल्स के ऊपर, मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो क्या इसको भरना चाहिए। सो विल गो कम टू दैट लेटर। द फर्स्ट पार्ट विच वी नीड टू डिस्कस इज योर डिटेल्स, डिटेल्स अबाउट योर फाइनेंशियल ईयर, अबाउट योर जीएसटी एन, अबाउट योर लीगल नेम, अबाउट योर ट्रेड नेम। नाउ दीज आर द इंफॉर्मेशन विच वी नीड टू पुट इन टू द फर्स्ट टेबल। दीज आर वेरी वेरी जेनरिक इंफॉर्मेशन, सो वी विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन इट। बट सर, डू वी नीड टू मल्टीपल एनुअल रिटर्न फॉर डिफरेंट यूनिट्स विच आर रजिस्टर्ड अंडर द सेम जीएसटी एन? नो सर, वन जी रूल। अगर मैं 10 अलग अलग बिजनेस प्रमाइसेस एक ही रजिस्टर करे हुए हैं, तब भी आपको एक ही एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। यू एवरीबडी ऑफ अस नो दैट। सो वन एनुअल रिटर्न, वन जीएसटी एन, वन एनुअल रिटर्न, दैट इज द रूल। पूरी कंपनी की एक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं होगी, और पूरी स्टेट के हर यूनिट की एनुअल रिटर्न जो कि सेपरेटली रजिस्टर्ड है उसकी अलग फाइल होगी। बट अगर सभी यूनिट्स एक ही जीएसटीएन के तहत हैं तो वो एक ही साथ फाइल होगी। अब एक व्यक्ति का सवाल आता है, सर मैं एक सीमेंट की मेरी शॉप है जहाँ से मैं सीमेंट ट्रेडिंग करता हूँ, और मेरी एक शॉप है जहाँ पे मैं शूज की ट्रेडिंग करता हूँ। दोनों की टर्नओवर इंडिपेंडेंट है, दोनों के बिजनेस मॉडल्स अलग हैं, क्या मुझे इस पर्टिकुलर टर्नओवर को, जो मेरे दोनों टर्नओवर्स हैं, एक ही एनुअल रिटर्न में फाइल करना है? सो माई क्वेश्चन विल बी, क्या आपका एक ही जीएसटीएन है? अगर एक जीएसटीएन है, एक ही एनुअल रिटर्न फाइल करिए, दो करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल पे, और अब तो सबको क्लैरिटी आ ही गई है इस बारे में। हमारी जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं, जो कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई हैं, जिसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना था, वो हमने टेबल नंबर 4 में फिल करनी है। टेबल नंबर 4A से लेके टेबल नंबर 4N तक उसकी डिटेल्स हमने देनी है। क्या इस केस के अंदर हमारे को डेटा बुक्स ऑफ अकाउंट से लेना है, हमारे को डेटा GSTR 9 सॉरी 3B से लेना है, या GSTR 1 से लेना है? फ्रेंड्स, इसके ऊपर बहुत सारी वेरीड थॉट प्रोसेस चली फर्स्ट ईयर में, और बहुत सोचने के बाद, बहुत देर बाद गवर्नमेंट ने इस इंस्ट्रक्शन को अमेंड किया, जो कि इंस्ट्रक्शन टू टेबल नंबर 4 विच वॉज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न फॉर्म। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एनुअल रिटर्न जब भी फाइल कर रहे हैं, एक बार एनुअल रिटर्न के जो पीछे इंस्ट्रक्शंस हैं टेबल बाय टेबल एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ कंप्लाइंग और इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंप्लायंस ऑफ दिस फॉर्म। नाउ कमिंग ऑन टू टेबल नंबर 4, पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज एंड एडवांसेस रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18, इट मे बी नोटेड दैट ऑल सप्लाईज फॉर विच पेमेंट हैज बीन मेड थ्रू 3B बिटवीन जून 17 एंड मार्च 18 शैल बी डिक्लेयर्ड इन दिस पार्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, द फॉर्म इन इट्स इंस्ट्रक्शन हैज बीन वेरी क्लियर दैट यू ओनली हैव टू फिल टैक्सेबल सप्लाई 3B, नॉट GSTR 1, नॉट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, मेरे से 1 के अंदर भी कई गलतियां हुई होंगी, मेरे से 3B में भी गलतियां हैं, मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी, बट मैंने 3B में किया है। दैट इज द डेटा व्हिच आई विल बी यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ फिलिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म। आई विल नॉट यूज द डेटा व्हिच हैज बीन फिल्ड इन GSTR 1। नाउ मोस्ट ऑफ अस वर कन्फ्रंटेड विद द क्वेश्चन लास्ट ईयर कि सर ये वाला जो डेटा भर के आया हुआ है, ये डेटा तो GSTR 1 से भरकर आया हुआ है, तो फिर हम इसको कैसे चेंज करें? सर, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको पूरा चेंज कर सकते हैं, बिकॉज जो डेटा भर कर आया है 3B के अंदर, वो डिटेल्स थी ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट के पास कोई और मैकेनिज्म नहीं था उन डिटेल्स को भरने का अपार्ट फ्रॉम GSTR 1। सो अगर मैंने कोई अमेंडमेंट्स करी हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इशू करे हैं, इन सब की डिटेल्स जो है 3B में अलग से नहीं जाती, इन सब की डिटेल्स कहाँ से जाती है? और GSTR 1 से। और क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई और डेटा का सोर्स नहीं था, सो उन्होंने GSTR 1 का डेटा आपके सामने पॉपुलेट कर दिया, बट उस ऑटो पॉपुलेशन में उनकी 3B से लिंकिंग नहीं की गई, बट उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में कह दिया आपको जो ये फॉर्म फिल करना है वो अपने 3B के हिसाब से करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
If you look into section 73 and 74, what is section 73 and 74? These are two sections which create the demand under GST. One in normal cases, one in the cases of suppression, willful misstatement and fraud. ये दो केसेस के अंदर जो भी आपके ऊपर डिमांड आएगी वो इन्हीं सेक्शंस में अराइज होगी. और कौन सी डिमांड आ सकती है? नंबर वन, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स. नंबर टू, रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. नंबर थ्री, रॉन्ग रिफंड व्हिच हैज बीन टेकन बाय द टैक्स पेयर. नाउ ओनली इन दीज थ्री केसेस अ डिमांड कैन बी रेज्ड बाय यू. नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट, रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन एंड रॉन्ग रिफंड. अगर ये तीन केसेस नहीं है, देयर कैन नॉट बी अ डिमांड ऑन यू अंडर 73 एंड 74. एंड फॉर दैट मैटर अंडर दिस एक्ट देयर कैन बी सम प्रोसीजरल पेनल्टीज व्हिच कैन अराइज. नाउ बिफोर आई स्पीक अबाउट प्रोसीजरल पेनल्टीज, यू ऑल्सो हैव टू अप्रिशिएट कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ जीएसटीआर 1 देन. सर, जीएसटीआर 1 मेरी डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज है, वेयर बाय आई एम एडमिटिंग टू डिपार्टमेंट दैट दीज आर द सप्लाईज व्हिच आई हैव मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. Now that particular declaration, CU Moto, is on a self-assessment mechanism, and therefore the department has every reason to believe that whatever I have filled in is correct, and therefore I am liable to pay tax to that particular extent. Now a question came before Honorable Madhya Pradesh High Court in the case of Kabir Realty. वहाँ पे सवाल ये आया कि क्या department GSTR 1 recovery without 73-74 show cause notice कर सकता है? वहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये आपकी अपनी डिक्लेरेशन है, आपका अपना एडमिशन है, देयर इज नो रीजन फॉर डिपार्टमेंट टू टेक अप द इंक्वायरी एंड चेक एंड यू आर शो कॉज एज टू व्हाई दिस पर्टिकुलर डिमांड शुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम यू. यू आर ड्यूटी बाउंड टू टेक दिस पर्टिकुलर एंटायर डिमांड एंड पे टू द गवर्नमेंट. एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, इन द केस वेयर जीएसटीआर 1 इज फाइल्ड एंड टैक्स इज नॉट पेड, द recovery proceedings can be taken up by the department because it's a suo motu declaration, admission of the liability by the taxpayer. So please ye dhyan rakhiyega ki GSTR 1 aapki apni liability ki admission hai. Now come up, we are confronted with the second question. Agar wo liability ki hamari admission hai to kya table number 4 ke andar hame apne admission ke hisab se nahi bharna chahiye? Sir, bharna chahiye, par वो एडमिशन तब रेलिवेंट होता अगर 3B मेरा उससे बिल्कुल अलाइंड होता. आपने परसों शाम को जो एक अनाउंसमेंट हुई है बाय आई वुड नॉट से दैट हैज कम अप फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, बट दैट केम अप ड्यूरिंग द वन ऑफ द मीटिंग्स व्हिच वर हेल्ड बाय सीनियर ऑफिशियल्स, जिसपे ये कहा गया कि न्यू रिटर्न मैकेनिज्म पे गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट पुराने ही रिटर्न मैकेनिज्म को और एडवांस करेगी. सो मीनिंग देयर बाय matching concept or any other concept will be now brought in as part of your GSTR 3B, and 3B is here to stay. We will not be filing ANX 1, 2, 3 the way it has been envisaged, ANX 1, ANX 2, RET 1, 2, 3. So we are not going towards those particular forms. But my dear friends, ये जो 3B form है, इसकी जो है एक advanced version हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, maybe from 1st of October 2020. And way the things are, the moment we get into a here, तो हमारा GSTR 1 और 3B gel करने लग जाएंगे. Now, if I am clearing some amount in GSTR 1, but I have not paid to 3B, and I am, then in that particular case, my dear friend, 3B का data ही इंस्ट्रक्शन नंबर 4 के हिसाब से फिल होगा. मैं एक छोटा सा एग्जांपल और आपको देता हूं. अगर मैंने सपोज 10 लाख रुपए का टैक्स था मेरा फॉर द मंथ ऑफ आई एम गिविंग द सेम मंथ जुलाई 2018, गलती से मैंने जीएसटी 1 में उसको 1 लाख रुपए भर दिया, अकॉर्डिंगली आई शोड अ डिमांड ऑफ 18,000, बट इन माय 3B आई हैव शोन दिस पर्टिकुलर अमाउंट करेक्टली एज 10 लाख एंड डिस्चार्ज माय टैक्स ऑफ 1,80,000 आइदर बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर or by debiting the electronic cash ledger. Now, do I need to show any amendment which I have made in GSTR 1 in the subsequent month of October in annual return? No, sir. Reason being, मेरा जो पूरा form है वो ये पता करना चाह रहा है क्या मैंने जो taxes pay करे हैं वो किस value पर हैं, क्या वो value उन्हीं months को pertain करती थी. अब वो जो फैसला है, अगर मैंने सही month का सही tax 3B के माध्यम से पे कर दिया है
केवल अगर मैंने अपनी जीएसटीआर वन को अमेंड करा है, दैट विल नॉट लीड टू अ लाइबिलिटी ऑन मी आइदर ऑफ इंटरेस्ट और फॉर दी वेरी बेसिक टैक्स अमाउंट. सो वन की जो मेरी खामियां हैं वो मैं कभी भी दूर कर रहा हूँ, दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट माई इंटरेस्ट लाइबिलिटी. बट वाइस वर्सा, मैंने जुलाई 2018 के अंदर जीएसटीआर वन करेक्टली फाइल करी थी, बट इनएडवर्टेंटली जुलाई 18 की 3B के अंदर मैंने 1 लाख की जगह 10,000 रुपये का टैक्स दिखा दिया, बट टैक्स पेयर ने उस पर्टिकुलर चीज को रेक्टिफाई करा अक्टूबर 2018 में. और इस दौरान जो मेरा अमाउंट अनपेड रहा, मीनिंग देयर बाय 3B में जो अमाउंट नहीं जा सका, आई वुड बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट इवन दो आई हैव मेड अ करेक्ट रिफ्लेक्शन इन माई जीएसटी वन. सेकेंड थिंग विद जीएसटी वन डज फॉर मी इज जीएसटी वन टूमोरो, इवन इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू पे दी टैक्सेस, विल टूमोरो सेव दैट पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम दी रैथ ऑफ पेनल्टीज. रीजन बींग द पर्सन कैन से सर आई डिडेंट हैड फंड्स टू पे टू दी गवर्नमेंट, बट आई एम अ जेन्युइन टैक्स पेयर एंड आई हैव इंटेंशन टू पे टू दी गवर्नमेंट एंड देयर फोर आई हैव डिक्लेयर्ड माई लाइबिलिटी इन जीएसटी वन. सो उस परस्पेक्टिव से आपका जीएसटी वन आपकी सारी पेनल्टीज, आपकी एक्सटेंडेड पीरियड की डिमांड्स, वो सब खत्म कर देगा. बट द मोमेंट यू पुट इन जीएसटी वन, दैट इज द एडमिशन ऑफ अ लाइबिलिटी. फर्स्ट टेबल, आई विल नॉट गो टेबल बाई टेबल, बट आई फॉर ईच टेबल. द फर्स्ट टेबल रिलेट टू द टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम 4A टू 4E. आपने जो आउटवर्ड सप्लाई करी है और जिन पे टैक्स देना बनता था, वो आपको डिक्लेयर करनी है 4A से लेके 4E. 4A में क्या है? B2C सप्लाई. 4B में क्या है? सप्लाईज. 4C में क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट्स. D में क्या है? जीरो रेटेड सप्लाईज SEZ सप्लाई. एंड E में क्या है? डीम्ड एक्सपोर्ट्स. बट इस पर्टिकुलर टेबल में सी और डी के अंदर एक बहुत खास बात है, इसके अंदर केवल वही वैल्यूज जाएंगी जिनके ऊपर आपने टैक्स पे किया है. अगर आपने टैक्स नहीं पे किया, आपने अंडर एल्यूट एक्सपोर्ट किया, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर नॉट सपोज टू फाइल और यू आर नॉट सपोज टू दैट पर्टिकुलर डिटेल इन टेबल नंबर 4C और D. दैट पर्टिकुलर आइटम विल देन ट्रेवल टू टेबल नंबर 5A एंड 5B. तो अगर मैंने कोई एक्सपोर्ट और SEZ विदाउट टैक्स करा है, वो मुझे यहाँ नहीं फिल करना, वो मुझे कहाँ फिल करना है? 5A एंड B में. नाउ सर, द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स अप इन B2C इज कि सर मेरा एक कस्टमर था, मैंने गलती से उसको किया था, उसमें तो डिटेल्स करेक्ट थी, उसका जीएसटी नंबर भी था, पर मैंने गलती से जब रिटर्न फाइल कर रहा था तो वहां पर B2C में रिपोर्ट कर दी, तो क्या मुझे एनुअल रिटर्न के अंदर, मीनिंग देयर बाय मैंने 3B में सही टैक्स पे किया है, बट वन फाइल करते हुए मैंने गलती से इस पर्टिकुलर डिटेल को B2B ना दिखा के B2C, क्या मुझे एनुअल रिटर्न में इसको रेक्टिफाई करना? आईडी एट दी आउटसेट आई वुड शेयर दैट एनुअल रिटर्न इज नॉट अ फॉर्म ऑफ रेक्टिफिकेशन. मीनिंग देयर बाय आप एनुअल रिटर्न के अंदर कभी भी रेक्टिफिकेशन, क्योंकि ये फॉर्म हमारी लास्ट अपॉर्चुनिटी भी है टू कम क्लीन विद दी डिपार्टमेंट. अगर मेरे से कोई भी गलती होगी जीएसटी वन और थ्री में, तो आई एम रिकमेंडिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, प्लीज रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर एरर ओनली टू दी एक्सटेंट इफ इट इज रिलेटिंग टू क्लासिफिकेशन. आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन टेक अ न्यू ITC इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म. आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन पे अ लाइबिलिटी इन द नॉर्मल कोर्स इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म. आई एम नॉट इवन सेइंग दैट यू कैन चेंज दी टैक्सेस पेड और ITC अवेल्ड. नाउ आई एम सेइंग टैक्सेस पेड एंड ITC अवेल्ड. सर CGST, SGST, IGST, I को C और S बना दिया, CS को I बना दिया, ये काम भी आप एनुअल रिटर्न में नहीं करेंगे. टेक अप अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन अगेन बिफोर यू. टैक्स पेयर एंड आई एम रनिंग अ होटल. नाउ आई गॉट अ कस्टमर हु वॉज फ्रॉम मुंबई हु केम टू स्टे इन माई होटल. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस द जेंटलमैन हु केम फ्रॉम मुंबई वॉज अ रजिस्टर्ड पर्सन इन मुंबई. अब वो आके मेरे को कहता है कि सर आप मेरे को जो है एकोमोडेशन, मैं 2 दिन आपके होटल में रहा, इसका बिल इशू करिए. मैंने कहा ठीक है सर. मैंने उसको जो बिल इशू किया उसमें कौन सा टैक्स लगेगा सर? CSI. सी प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ अ होटल विल बी दी लोकेशन ऑफ दी इमोटी विच इज दी परफेक्ट अभिषेक. मैंने उसको कहा COS लगाएंगे. उसने मेरे को, बिकॉज ही वॉज अ कस्टमर, ही सेड
सर नहीं, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई एंड एज आई नो व्हेन आई विल शेयर माय जीएसटी नंबर यू विल इशू मी आईजीएसटी इनवॉइस। मेरे सीए ने मेरे को बताया। नाउ व्हाट एवर रीजन बीइंग ही फोर्स्ड मी टू इशू अ आईजीएसटी इनवॉइस और मैंने उसको आईजीएसटी इनवॉइस इशू कर दिया ताकि मेरे को पैसे मिल जाए और वो जो खड़े होके मेरी होटल लॉबी में शोर कर रहा था वो खत्म हो। नाउ आई केम टू यू, यू आर माई कंसल्टेंट, टू यू एट द मंथ एंड विद द डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस व्हिच आई हैव इशूड एंड यू फाउंड दैट देर आर फाइव इनवॉइसेस ऑन व्हिच आई हैव चार्ज आईजीएसटी आप करा एंड आई टू दैट बिकॉज ऑफ द पर्सुएशंस ऑफ द और द कस्टमर आई हैव टू इशू आई हैड टू इशू आईजीएसटी इनवॉइस। तो आपने कहा नहीं इसमें सी और एस लगना है। नाउ टेल मी फ्रेंड्स, कैन यू करेक्ट दैट पर्टिकुलर एरर इन योर सीबी एंड जीएसटी आर वन। आईजीएसटी इनवॉइस मैंने इशू कर दिया है पर मेरे को चार्ज करना चाहिए था सी प्लस एस, तो क्या वो एरर मैं अपने थ्री बी और वन में ठीक कर सकता हूँ, यस और नो? और किया भी आपने ड्यूरिंग दी रिस्पेक्टिव पीरियड? आई कैन टेल यू इफ एनीबडी हैज डन इट, the entire action is wrong because whatever taxes you are showing in your invoice is what you have to reflect in your GSTR1 and pay taxes accordingly. So my dear friends, I hope you have not changed the nature of taxes which have been shown on the invoices issued by the taxpayer. अगर कोई गलती रह गई है तो करने का माध्यम, उसको रेक्टिफाई का सोर्स आपके हाथ में था क्रेडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 34 के माध्यम से। आप जो है गलत टैक्स को कस्टमर, सो मच इफ यू हैव चेंज फीचर दैट विल नॉट बी अ करेक्ट स्टेप टू डू इट। ऑल्टरनेटिवली मेनी फ्रेंड्स माइट हैव रेक्टिफाइड द इनवॉइस पर से। नाउ दे कैन नॉट बी टू इनवॉइसेस फॉर ट्रांजेक्शन, सो यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर इनवॉइस इज विद कस्टमर इज द करेक्ट इनवॉइस, नॉट द इनवॉइस व्हिच यू माइट हैव और आई हैव माइट हैव मेड एंड कैप्ट एट माय प्रीमाइसेस, राइट सर? नंबर थ्री, जो भी टैक्स मेरा गलत पे हो गया अब उसको मैं ठीक कैसे करूं? सर एक माध्यम तो है सेक्शन 34 का डेबिट और क्रेडिट नोट, वो आप स्यू मोटो इशू कर सकते हैं। उसमें आपको कस्टमर से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कस्टमर हद से हद क्या कर सकता है? कस्टमर हद से हद आपको कॉल करके ये कह सकता है सर आपने टैक्स कैसे चेंज कर दिया। बट जब तक तो लॉकिंग सिस्टम नहीं आ जाता, लॉकिंग सिस्टम क्या है जो गवर्नमेंट बार बार कोशिश कर रही है लाना, मैंने आपको टैक्स इनवॉइस इशू करा और आपने अगर उस एक्सेप्ट कर लिया देन आई कैन नॉट चेंज द टैक्स इनवॉइस टिल यू रिलीज दैट टैक्स इनवॉइस फ्रॉम योर एक्सेप्टेंस। सो दैट इज कॉल्ड अ लॉकिंग मैकेनिज्म विच विल आई कैन टेल यू क्लोज ऑल द डिस्प्यूट्स terms of what is the input tax credit available to me as a buyer. आज की डेट में क्या है हम सारे कौन सा टैक्स ले रहे हैं? वाला टैक्स ले रहे हैं? नहीं सर, वी आर टेकिंग दी एंटायर टैक्स ऑन अ प्रोविजनल बेसिस, मीनिंग देयर बाय व्हेन आई से प्रोविजनल बेसिस इट मींस दैट दोस पर्टिकुलर टैक्सेस आर नॉट लॉक्ड एंड दोस पर्टिकुलर इनपुट टैक्स क्रेडिट आई एम टेकिंग बाय माय ओन डिक्लेरेशन। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। इफ यू लुक इनटू द यस्टरडेज जजमेंट which is being circulated everywhere in the case of Jian International, let me speak for 2 minutes on that. In the case of Jian International, it is a very very nicely worded, I would say, decision or judgment of Honorable Delhi High Court. Honorable Mr. Justice Manmohan and Honorable Mr. Justice Sanjeev Narula had been kind with the taxpayer to tell the department that it is almost now more than 2 years. You have lapsed your timelines for issuing a deficiency memo. आपके पास 15 दिन थे deficiency memo करने के, अगर आपने नहीं करे then you have lost right to raise a issue with the SSE. Kindly please issue the refund as envisaged by section 54, subsection 6. Now my dear friends, in this particular case, even though the refund has been allowed by the to the taxpayer department to release and telling the department that you no longer have the right,
There was one very important issue which I felt is somewhere missed in the entire discussion. Reason being, while the 15 days notice has been taken care, there is also one requirement that the 90% of the refund, what the Section 54(6) says, let me just read out for you. Notwithstanding anything in contained in subsection 5, the proper officer may, in the course of any claim for refund on zero-rated supply made by a registered person other than such category which may be notified by the government, refund on a provisional basis. So first thing is you have to remember, ये रिफंड आपके पास कोई फाइनल रिफंड नहीं आ गया, जो आपको देना है रिफंड वो प्रोविजनल रिफंड है जो ऑटोमेटिक आपके खाते में आ रहा है 90%। सो 90% ऑफ द अमाउंट सो क्लेम एक्सक्लूडिंग, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच आई थॉट माइट हैव बीन डिस्कस डिटेल इन दिच विच इज नॉट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनली एक्सेप्टेड इन सच मैनर एंड सच कंडीशन। नाउ ये जब सेक्शन 54(6) आया था तब क्या सोचती, तब ये सोचती कि जो हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉक हो जाएंगे, मीनिंग देयर बाय जो सप्लायर चढ़ाएगा और बायर एक्सेप्ट कर लेगा उनका हम 90% जो आपका रिफंड है वो दे देंगे। पर वो मैकेनिज्म हम सबको पता है, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 आज तक इफेक्ट नहीं हो पाए हैं। सो देर इज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज अदर देन प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट, मीनिंग देयर बाय नाउ टूडे देर इज नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनली अवेल्ड। इफ आई हैव टू आस्क यू सर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजनल क्रेडिट विच यू हैव टेकन, सर देर कैन नॉट बी एनी आंसर बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ जीएसटीआर 2 इज नॉट देयर। वन में डिसाइफर दैट वट एवर इज अपियरिंग इन माई जीएसटीआर 2A इज माई लॉक्ड क्रेडिट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज माई प्रोविजनल क्रेडिट। बट क्या 3B में जो मैंने क्रेडिट लिया है क्या उसको देख के आप बता सकते हैं कि वो क्रेडिट 2A का ही क्रेडिट है? सर कोई नहीं बता सकता। एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म इटसेल्फ इज इनफेक्शियस। हाउएवर इफ देयर इज अ मैकेनिज्म व्हिच इज एट फॉल्ट दैट कैन नॉट बी टेकन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द टैक्स पेयर बाय, अगर कोई लेकुनर रह भी गया था, अगर कोई कमी रह भी गई थी, द डिपार्टमेंट वाज सपोज्ड टू रेक्टिफाई बिकॉज असेसी कैन नॉट रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग। असेसी इज ओनली कंप्लाइंग विद व्हाट एवर यू हैव गिवन मी। आपने मेरे को 3B का, मैंने 3B भर दिया, आपने मेरे को 1 का, मैंने 1 भर दिया, शिपिंग बिल का, मैंने शिपिंग बिल भर दिया, आपने मेरे को जो कहा मैंने वो डिटेल्स भर दी हैं। आई कैन नॉट चेंज द मैकेनिज्म एंड देयरफॉर इवन दो द वर्ड प्रोविजनली टेकन ITC इज देयर इन सेक्शन 54 सब सेक्शन 6 दैट कैन नॉट बी रेड टू द डेट्रीमेंट ऑफ द टैक्स पेयर। दैट इज माय हम्बल ओपिनियन ऑन द इशू। सो इवन इफ इट वुड हैव बीन टेकन अप इन बाय यू नो दिस पर्टिकुलर इशू वुड हैव बीन टेकन अप, आई थिंक द इनएक्टिविटी द डिफॉल्ट ऑफ द एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट वुड नॉट गो टू द डेट्रीमेंट एंड द ऑनरेबल हाई कोर्ट एज हैज राइटली गिवन द रिफंड बाय वे ऑफ आस्क इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू इशू द रिफंड, दैट वॉज अ वेरी नाइस स्टेप। आई थिंक दिस विल डू अवे विद ऑल द लेसेड यू नो रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ नॉन प्रोसीडिंग्स विच वी हैव बीन सीइंग इन मेनी केसेज इंक्लूडिंग। Now there is also one another big lot of litigations which are pending. Assessee who had applied the registration but who were not granted the registration in the timeline of 17 days specified in the statute and the rules thereunder. So वो भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कल को जब असेसमेंट्स होंगी तो वहाँ की डिमांड भी। नाउ द फर्स्ट स्पीकिंग अबाउट वाज 4A एंड 4B, B2B एंड B2C, अगर इन दोनों के बीच में कोई गलती हो नहीं कर रहे हैं, आप केवल रिफ्लेक्शन। सेकंड मैंने आपसे कहा कोई करना है, एक माध्यम तो आपको मैंने 34 दिन यू नो दे आर नॉट अवेलेबल नाउ। सेक्शन 30 कहता है कि क्रेडिट नोट जो है वो केवल सब्सिक्वेंट और डेबिट नोट की कोई टाइमलाइन नहीं होती, बट अगर डेबिट नोट नहीं इशू करूंगा लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी क्योंकि डेबिट नोट से मैं उन्हें एक नया टैक्स दे सकता हूं, उसका जो पुराना टैक्स गलत टैक्स है वो रिवर्स नहीं हो सकता। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो माय डियर फ्रेंड, द टैक्स पेयर कैन वेट फॉर द असेसमेंट
if he looks into section 77 or section 19 of CGST और IGST Act, दो सेक्शन इस पॉइंट को कवर करने के लिए लाए गए थे। सेक्शन 77 और 19 ये क्या था? अगर आपने कोई टैक्स जो कि आपके हिसाब से इंट्रास्टेट था, बट डिपार्टमेंट उस ये सीओएस कर दिया है, तो आपको सीओएस फंड जाएगा। इसका मतलब है हमें टैक्स नहीं देना सर, देना है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। सो वो कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस अभी तक गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं करी है। द डे इट विल प्रिस्क्राइब, वी विल गेट टू नो कि कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे जो हमने टैक्स गलत पे करा है वो हमें वापस नहीं मिलेगा। राइट सर, नाउ कमिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर वो गलत टैक्स जो है उन्होंने पे कर दिया, तो क्या सही टैक्स गवर्नमेंट रिकवर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है सर, सही टैक्स गवर्नमेंट जो है वो रिकवर कर सकती है, और गलत टैक्स जो था वो आपको रिफंड के माध्यम से मिलेगा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर सपोज सामने वाले ने क्रेडिट ले लिया, तो फिर उस केस के अंदर क्या मेरे को रिफंड मिलेगा? नाउ दिस इज वन बिग क्वेश्चन विच वी नीड टू चेक, वी नीड टू सी टुमारो, क्योंकि कल को पता चले कि गवर्नमेंट ने अगर ये कंडीशन रख दी, इन दैट पर्टिकुलर केस दिस पर्टिकुलर रिफंड इफ इट इज टेकन क्रेडिट बाय द रिसिपिएंट दैट माइट नॉट बी अवेलेबल, सो वी हैव टू वेट फॉर दोस पर्टिकुलर कंडीशंस टू बी प्रिस्क्राइब। बट अगर ऐसा कोई केस है तो स्यू मोटो विदाउट इनवॉइस आप ठीक कर लेंगे इस इधर, दैट विल बी अ रॉन्ग रिफ्लेक्शन ऑफ योर टैक्सेस एंड दैट माइट लीड टू अ डिफरेंट लाइबिलिटी, दैट द टैक्सेस व्हिच यू हैव कलेक्टेड एज आईजीएसटी नीड टू बी पेड एज आईजीएसटी। सर सेक्शन ने ये कहा कि आप करेक्ट टैक्स को रिफंड सॉरी पे कर दीजिए और गलत टैक्स को रिफंड कर दीजिए। तो मैं सेम होटल का केस लेता हूँ, होटल के केस में मेरे को कौन सा करेक्ट टैक्स पे करना था? सी प्लस एस। वो कितना बनता था? 9 + 9 18%। मैंने गलत कौन सा टैक्स पे करा? आईजीएसटी। वो कितने परसेंट है? 18%। तो जब मेरा गलत और सही दोनों 18% है, अमाउंट ऑफ टोटल टैक्स में कोई फर्क नहीं है। व्हाई दिस पर्टिकुलर लाइबिलिटी हैज बीन कास्टेड ऑन दी असेसी एट दी बैक एंड ओनली व्हेन एवर सच अ पर्टिकुलर इशू कम अप्स विद द डिपार्टमेंट, दे कुड एज अ प्रोसेस ऑफ देयर इंटर एडजस्टमेंट दे कैन पुट अप सम मैकेनिज्म सो दैट दिस पर्टिकुलर इंटर एडजस्टमेंट कैन बी डन, बट दिस पर्टिकुलर ड्यूटी ऑफ इंटर एडजस्टमेंट हैज नॉट बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, रादर दिस पर्टिकुलर ड्यूटी ऑफ इंटर एडजस्टमेंट इज कास्टेड अपॉन दी टैक्स पेयर कि भैया आप ही अपना करेक्ट टैक्स पे करो और आप ही अपने गलत पेड टैक्स की रिफंड फाइल करिए। सो ये प्लीज आप ध्यान रखिएगा, दो अहम इशू हमने अभी तक डिस्कस करे। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टैक्स इनवॉइसेस, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स कैन बी इशू इन केस ऑफ टैक्स इनवॉइसेस और इन केस ऑफ जीएसटी, सॉरी सर, हम कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स को इशू कर सकते हैं? सर मैं क्या क्या इशू कर सकता हूँ? टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर, सेल्फ इनवॉइस एंड डेफिनेटली डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स। नाउ आई हैव दीज डॉक्यूमेंट्स विच आई एम सपोज टू इशू अंडर जीएसटी। अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है, एक बार सेक्शन 31 जरूर देखें, बिकॉज अगर हमने इन सभी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर नॉलेज होगी, आई कैन टेल यू यू विल नॉट कमिट एन एरर इन दिस पर्टिकुलर केस। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज टेल मी वन थिंग, अगर किसी ने पूरे साल का रेंट पहले ही दिन ले लिया, तो क्या वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है? नाउ दीज आर ऑल्सो केसेस विच विल कम अप बिफोर यू। मेरे पास मेरे टेनेंट ने पूरे साल का रेंट, जबकि मेरी रेंट डीड कहती है एवरी सेवेंथ ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ मेरे को उससे रेंट लेना है, मतलब जब भी महीना शुरू होगा तो मुझे रेंट मिलेगा 7 तारीख तक, मेरे को उसने पूरे साल के शुरू में ही पूरे का पूरा रेंट दे दिया, तो क्या मैं उसको टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूँ? सर मैं उसको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, मेरे को उसको शुरू में रिसीट वाउचर इशू करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज एन एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट, और फिर हर महीने मेरे को उसको एक टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी, और उस टैक्स इनवॉइस के टैक्स को मैं अगेंस्ट रिसीट वाउचर जो है एडजस्ट करता चला जाऊं। राइट सर, सो ये चीजें बड़ी अहम हैं ध्यान रखने की।
फिर सेकंड सवाल आया, सर मैंने जीएसटी वन में गलती से जीरो रेटेड सप्लाई को, या अपने जीएसटी थ्री बी में अपने एक्सपोर्ट को गलती से बी टू बी दिखा दिया। सर अगर आपने वो भी एक रिफ्लेक्शन एरर करी है जिसके कारण आपका रिफंड अटका हुआ है, आप इस पर्टिकुलर फॉर्म में एनुअल रिटर्न में उसको ठीक कर सकते हैं। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे ठीक करने से आपकी रिफंड की जो एंटाइटलमेंट है, जो आपको मिलना चाहिए, वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाए। यहाँ रिफ्लेक्शन ठीक करने से टुमारो यू कैन गो एंड टॉक टू द डिपार्टमेंट दैट सी आई हैव ऑलरेडी फाइल्ड माई क्लेम इन जीएसटी आर वन एंड द शिपिंग बिल इज माई रिफंड एप्लीकेशन एंड आई हैव रेक्टिफाइड माई क्लेम और आई हैव रेक्टिफाइड माई डिक्लेरेशन इन दी एनुअल रिटर्न एंड देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली रिफंड बैक दी अमाउंट ऑफ ड्यूटी और टैक्स एज पर सेक्शन 54 टू मी। तो अगर आपका कोई केवल रिफ्लेक्शन गलत है इवन इन जीरो रेटेड, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि वो यहाँ पे उसको ठीक कर लें। डू नॉट कैरी दी एग्जिस्टिंग एरर्स इन दिस पर्टिकुलर केस। सेम इज द केस ऑन सप्लाई टू एससीजेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आपको याद होगा एक शुरू के अंदर एक एडवांस रूलिंग आई थी बाय इन द केस ऑफ गोखते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई होटल कोई सप्लाइज करता है विच वर प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ सम कंजम्पशन ऑफ फूड एंड बेवरेज, इन दैट पर्टिकुलर केस द टैक्स विच विल बी लेवियबल विल बी सी प्लस एस एंड नॉट आई। सो वहाँ उस पर्टिकुलर केस के बाद गवर्नमेंट केम आउट विद अ क्लैरिफिकेशन स्टेटिंग दैट अगर कोई भी सप्लाई आईजीएसटी को सॉरी एससीजेड को होती है, दैट विल बी फॉलिंग विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट एंड देयरफॉर सिंस देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक सेक्शन डीमिंग सप्लाइज टू एंड फ्रॉम एससीजेड एज इंटर स्टेट सप्लाइज, इन दैट पर्टिकुलर केस द जनरल प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल। सो अकॉर्डिंगली एनी सप्लाई टू एससीजेड वॉज हेल्ड टू बी अ आईजीएसटी सप्लाई। बट इन दोज पर्टिकुलर केसेज ऑल्सो माई डियर फ्रेंड, ऑल दी इनवॉइसेज ऑन विच एनी रॉन्ग टैक्सेस हैज बीन इशूड, यू आर सपोज टू गेट यू नो रेक्टिफाई देम बाई वे ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट एंड अकॉर्डिंगली टेक अ रेक्टिफाइड स्टेप एंड योर रिफंड अंडर द जीएसटी एक्ट। फिर एक अहम अगेन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई वो आई डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट लेट आया, आई थिंक नोटिफिकेशन नंबर 14 40 बाई 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बट डीम्ड एक्सपोर्ट्स के कारण एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी, क्या डीम्ड एक्सपोर्ट्स भी एक्सपोर्ट्स के बराबर हैं? उनको दर्जा एक्सपोर्ट्स के बराबर दिया गया था फॉर द पर्पज ऑफ रिफंड, बट उनको कभी भी दर्जा एक्सपोर्ट के बराबर इस चीज में दिया गया था कि आप उसमें एलयूटी के अगेंस्ट 0% पे आप सप्लाई कर सकें। सो फ्रेंड्स, वो एक गलती कई मेंबर्स ने करी, कई टैक्सपेयर्स ने करी कि उन्होंने डीम्ड सप्लाई को 0% पे अगेंस्ट एलयूटी दिखाकर अपना रिटर्न्स वगैरह फाइल कर दी। सर डीम्ड एक्सपोर्ट्स कैन नॉट बी मेड अंडर दी 0% अंडर एलयूटी, उन पे पूरा टैक्स पे होगा एंड अकॉर्डिंगली आपका जो भी रिफंड है वो आपको मिल जाएगा आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन। सो डीम्ड एक्सपोर्ट्स इवन दो दे आर इक्विवेलेंट टू एक्सपोर्ट्स बट आर नॉट एक्सपोर्ट्स, दिस इज वन रूल विच वी हैव टू रिमेम्बर। नेक्स्ट कम्स द कॉलम ऑफ 4F विच इज एडवांसेस ऑन टैक्स विच हैज बीन पेड बट इनवॉइसेस हैज नॉट बीन इशूड। सो वेरी सिंपली जैसे मैंने अभी आपको रेंट का एग्जाम्पल दिया था, सपोज एक साल की जगह मैं कहता हूँ 2 साल का रेंट आ गया, तो मैंने मार्च तक जितनी इनवॉइसेस इशू करके उनका टैक्स उस रिसीट वाउचर के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया, जो अमाउंट बच गया जिसके अगेंस्ट इनवॉइस 18-19 में नहीं हुई, केवल उतना ही अमाउंट टेबल नंबर 4F में दिखाया जाएगा। सो ऑल योर एडवांसेस द वे दे आर अपीयरिंग इन योर फाइनेंशियल विल बी शोन इन टेबल 4F। सो आपको कौन सी आइटम्स का ध्यान रखना है, बहुत सारी बैलेंस शीट्स में जो पर्टिकुलरली सर्विस सेक्टर की हैं, आपको 3 कॉलम मिलेंगे, इनकम एक्रूड बट नॉट ड्यू, इनकम ड्यू बट नॉट एक्रूड, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। इन तीनों ही केसेस में सिर्फ आपने एडवांस फ्रॉम कस्टमर को उठाना है और यहाँ डालना है। आपके व्हाट अबाउट द केसेस वेयर इनकम हैज बीन ड्यू बट नॉट एक्रूड, उसका क्या मतलब है सर? उसका मतलब ये है कि एज पर द एग्रीमेंट आई एम सपोज टू रेज माई इनवॉइस टूडे, टेक दी पेमेंट फ्रॉम यू एज पर दी इनवॉइस फॉर अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, बट आई विल बी सप्लाइंग सर्विसेज लेटर एंड देयर फॉर दी एक्रूअल ऑफ इनकम विल बिकम एब्सोल्यूट लेटर। तो हमारा AS9
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप बेहतर जानते हैं जैसे, तो उसके तहत मेरे को वो जो अमाउंट मेरा अभी अक्रू नहीं हुआ है उसको अपने फाइनेंशियल में एक पार्क करके रखना पड़ेगा, और आई कैन नॉट शो इट टिल सप्लाई ऑफ सर्विस हैज बिन मेड इन माई 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 P&L अकाउंट, राइट सर? नाउ फ्रेंड्स, जब तक मैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, वो मेरी इनकम ड्यू बट नॉट अक्रूड. ड्यू क्यों? आई एम सपोज टू रेज अ इनवॉइस ऑन यू टुडे एज पर दी सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज. केस में अब यहाँ पे क्या हुआ, देर इज अ टैक्स व्हिच हैज बीन इशूड वैलिडली एंड दिस पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस एंटायर टैक्स हैज बीन कलेक्टेड एंड पेड. सो इन दिस पर्टिकुलर केस देर इज नो एडवांस पर से फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएसटी. देर मे बी एन एडवांस एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएसटी देर इज नो एडवांस. एंड देयर फॉर माई डियर फ्रेंड्स, यू आर नॉट सपोज टू शो दिस इन टेबल नंबर 4F. दिस पर्टिकुलर अमाउंट, द एंटायर अमाउंट ऑफ द इनवॉइस विल गो इन टू टेबल नंबर 4B. नेक्स्ट वन इज इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज. ये कौन सा टैक्स है सर जो मेरे को एज अ रिसिपियंट पे करना है? आई डोंट हैव टू पुट द फिगर विच माई रिसिपियंट हैज टू पे अंडर रिवर्स चार्ज. सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ फैक्ट्री ओनर एंड आई एम द सर्विसेज ऑफ GTA ऑन विच आई एम सपोज टू पे अंडर रिवर्स चार्ज एंड आई हैव कंप्लाइड विद माई रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर. आई नीड टू शो दैट पर्टिकुलर फिगर इन टेबल नंबर 4G. सो दैट इज द काइंड ऑफ दैट इज द डेटा विच वी नीड टू फिल इन टेबल नंबर 4G. टेबल नंबर 4H इज नथिंग बट अ सब टोटल ऑफ द एंटायर थिंग. टेबल नंबर 4I, नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर टेबल. एनी टेबल ट्रेड नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन B2E. तो सर अगर आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे डालेंगे जिसके आपने क्रेडिट नोट इशू कर दिए, उन केसेस में वो पर्टिकुलर अमाउंट विल गो टू रिड्यूस योर टैक्स पेबल एंड देयरफॉर यू मस्ट हैव पेड लेस टैक्स इन द मंथ ऑफ इन द रिस्पेक्टिव GSTR 3D. बट अगर आपने केवल GSTR 1 के अंदर उस क्रेडिट नोट को दिखाया था बट 3B में नहीं दिखाया था, देन माय डियर फ्रेंड्स, दैट पर्टिकुलर क्रेडिट नोट विल नॉट बी इंपैक्टिंग, विल नॉट बी शोन इन टेबल नंबर 4I, बिकॉज मियरली शोइंग दैट पर्टिकुलर टेबल अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर कॉलम विल नॉट हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर प्रॉपर कंप्लायंस विद द रिटर्न. नाउ दिस इज वे वी से देर इज अ बिग एनोमली, बिकॉज मेरी एनुअल रिटर्न के हिसाब से जो मेरा सेल्स रिटर्न का या जो मेरा डेफिशिएंसी का, वैल्यू डिस्काउंट्स का, टर्नओवर डिस्काउंट्स का, जो भी मेरा क्रेडिट नोट बनता था, वो सारे का सारा क्रेडिट नोट जो है वो यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर मेरे को शो करना चाहिए रिलेटिंग टू 18-19. बट मेरा 3B क्या करता है, केवल टू द एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव फिगर लेगा, नेगेटिव फिगर नहीं लेगा. एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम मे वेरी एंड मे नॉट गिव अ करेक्ट पिक्चर इवन इफ दी असेसी और द टैक्स पेयर वॉन्ट्स टू. सिमिलरली टेबल नंबर 4J, ये डेबिट नोट से डील करता है. डेबिट नोट क्या होता है, आपने कोई लाइबिलिटी टैक्स पे करी थी, वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी जो है टुमोरो यू कैन पे, बट यू विल बी फर्स्ट इशूइंग अ डेबिट नोट बिकॉज दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी इज ओवर एंड अबव द टैक्स इनवॉइस व्हिच हैज बीन इशूड बाय यू. नाउ दिस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन द केसेस वेयर देर इज अ रिकवरी, वेयर देर इज अ रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर ऑन काउंट ऑफ दिस वन रेट वेरिएशन. तो आप कई मेटल्स ऐसे हैं, कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे द रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑन द सेम डे वेरी मोमेंट व्हेन द परचेज इज मेड. सो वेन एवर द रेट आर फाइनलाइज देर इज अ डेबिट और क्रेडिट नोट विच इज इशूड. सपोज हमने कहा कि ठीक है साहब, आप मेरे को 100 टन स्टील आज दे दीजिए. मैंने आपसे कहा कि आज संडे को जो मेटल एक्सचेंजेस हैं वो खुले नहीं है, आई डू नॉट नो द रेट ऑफ स्टील फॉर टुडे. तो आपने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, मेरे को आप प्लस माइनस 10 जो भी रेट आपको अच्छा लगता है आप मेरे को इशू कर दीजिए, और जब भी आपको रेट पता चलेगा आप उतना डेबिट नोट या क्रेडिट नोट मेरे को इशू कर दीजिए. तो आपने मेरे को शुरू में 200 रुपये पर किलो के हिसाब से, या दैट्स अ वेरी हाई फिगर, लेट्स से 25 रुपीज पर किलो के हिसाब से आपने इन्वॉइस इशू किया, एंड लेटर ऑन देर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 1 रुपी विच यू नाउ वॉन्ट टू रिकवर फ्रॉम मी अलॉन्ग विद द टैक्स
इन दिस पर्टिकुलर केस आपने डेबिट नोट जो होगा वो 2 महीने बाद इश्यू करा, नॉट ऑन दी फर्स्ट डे, एंड देयर फॉर देर इज एन इंटरवीनिंग ऑफ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। नाउ ऑफन असेसीज कहते हैं कि सर क्योंकि हमने डेबिट नोट बाद में रेज किया, हमें तो पता ही बाद में चला कि हमारी लाइबिलिटी जो है वो इसमें बाद में आएगी, क्योंकि ये पैसा मुझे जो ओवर एंड अब बाद में ही पता चला है ओनली फ्रॉम द न्यू केस। इन द केस ऑफ सेल अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री इनवॉइसेस एंड देयरफॉर एप्लीकेबल टू डेबिट नोट्स आल्सो, एनी रेट वेरिएशन फॉर व्हिच एनी रिकवरी इज मेड बाय द सप्लायर फ्रॉम द बायर, द इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल इनवॉइस एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द सप्लीमेंट्री इनवॉइस। सप्लीमेंट्री इनवॉइस इज नॉट मेकिंग अ एनदर लेवी। व्हाट इज द चार्ज ऑन? चार्ज इज ऑन द सप्लाई। नाउ दिस पर्टिकुलर केस वॉज नॉट इन कॉन्टेक्स्ट GST, this was in context of erstwhile excise loss. My dear friend, I hope आपको यह समझ आ गया। अगर आप कोई भी अमाउंट 4J में दिखाएंगे तो आज आपको नहीं पता चल रहा, बट कल आपके ऊपर ये डिमांड जरूर आएगी, और इसलिए मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट की डिमांड। GST और वन में अगर आपने कोई गलती करी है जिसको आपने बाद में डेबिट नोट या उसके माध्यम से लेटर ऑन रेक्टिफाई करा, बट आपके GST 3B में टैक्सेस सही गए हैं, डोंट शो इट हेयर, प्लीज फिल फोर और द एंटायर टेबल 4 एज पर योर GSTR 3B। टैक्सेस की मूवमेंट जैसे हुई है, अगर वो मूवमेंट अमेंडमेंट के रूप में हुई, डिले के रूप में हुई दिखाई, बट अगर वो अमेंडमेंट सही आपकी अगर पूरे टैक्स ओरिजिनल सही पेड है और अमेंडमेंट केवल GSTR 1 में है जो कि आपकी लाइबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, इन दैट पर्टिकुलर केस माई डियर फ्रेंड यू नीड नॉट शो एनीथिंग इन टेबल नंबर 4IJKL। यू कैन सिंपली फिल योर फिगर्स फ्रॉम टेबल नंबर 4A टू 4E। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर और आई हैव क्लैरिफाइड दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। नाउ नाउ बिफोर आई प्रोसीड टू टेबल नंबर 10, डिस्कशन ऑन टेबल नंबर 10 ऑफ द एनुअल रिटर्न, आई थिंक इट इज टाइम दैट वी टेक अप ऑल द क्वेश्चंस ऑन द टैक्सेबल वैल्यू। मोहित जी, इफ यू अलाउ, लेट अस टेक अप सम क्वेश्चंस ऑन द टैक्सेबल वैल्यू थिंग। If any member have any query till now, you please just unmute yourself and ask the query. ऑन द टैक्सेबल वैल्यू सर, टेबल नंबर 4A टिल टेबल नंबर 4N। आई थिंक नन ऑफ द मेंबर्स हैव एनी क्वेरी ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। Sir, let's continue. If there will be any query came, we can cover it later. श्योर सर, श्योर श्योर श्योर। ठीक है फ्रेंड्स, सो मूविंग फर्दर, वी हैव सीन दैट हमारी जो सप्लाईज हैं इन टैक्सेबल सप्लाई, हमें 3B के अंदर जो हमारी फिगर्स गई हैं उसमें जो अमेंडमेंट्स गई हैं उसके हिसाब से हमें भरनी है, एंड देयर फोर नाउ वी मूव टू टेबल नंबर 5 विच बेसिकली डील्स विद आवर एग्जेम्प्ट सप्लाई। आई विल कम टू केस दीज केसेज अ बिट लेटर, कीपिंग देम एज ऑफ नाउ, बट टेबल नंबर 5 के अंदर जो हमारी डिटेल्स भरी जानी है वो डिटेल्स किस रिस्पेक्ट में भरी जाएगी? वो डिटेल्स इन रिस्पेक्ट्स में भरी जाएगी कि हमने जीरो रेटेड सप्लाई करी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज हुई, हमने रिवर्स चार्ज की ऐसी सप्लाई करी जिस पर रिसिपिएंट ने टैक्स पे करना था, मीनिंग देयर बाय एनी सप्लाई विच इज मेड बाय मी, एनी सप्लाई मेड बाय मी ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल बाय मी, दैट इज टू बी फिल्ड इन टेबल नंबर 5। सो अंडर LUT एक्सपोर्ट और SEZ, सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड बाई दी रिसिपियंट। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ कंपनी, आई एम प्रोवाइडिंग दी सर्विस ऑफ GTN एंड ऑल्सो ओन अ वेयर हाउस। सो मैंने रजिस्ट्रेशन ली है और मैंने जो वेयर हाउस का टैक्स है वो फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है और मेरे GTA का टैक्स जो है वो रिवर्स चार्ज में है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस माई डियर फ्रेंड, जो रिवर्स चार्ज में मेरा टैक्स है वो मैंने नहीं पे करना, वो मेरे रिसिपियंट ने पे करना है। आई विल फिल दी GTA टैक्सेबल वैल्यू फिगर इन कॉलम नंबर टेबल नंबर 5C, एंड देयर फॉर माई डियर फ्रेंड ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू देर विल नॉट बी एनी टैक्स लाइबिलिटी। सो 5A, B एंड C। अच्छा, मैं एक चीज और शेयर करूंगा, अगर कोई यंग मेंबर ये सोच के क्वेश्चन को रोक रहा है क्वेश्चन रिलिवेंट नहीं है, आई कैन टेल यू इट इज ओनली दी न्यू क्वेश्चन हु हैव ऑलवेज ट्रांसफॉर्म दी सिनेरियोज।
सेटल्ड क्वेश्चंस ने कभी भी कोई नई चीज नहीं बनाई है. सो वी हैव टू बी वेरी इनोवेटिव, वी हैव टू इन्वेंट न्यू क्वेश्चंस, एंड वी ऑलवेज हैव टू फाइट आउट, थिंक समथिंग आउट ऑफ बॉक्स. सो मेंबर्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, फ्रेंड्स, आप प्लीज क्वेरी लाइए. यू आर द बिगेस्ट टीचर, आई एम नॉट. यू आर द वन हु इज टीचिंग द एंटायर ऑगस्ट हाउस, एंड यू कैन ब्रिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव बिफोर एवरीवन ऑन द इशू. 5DEF deals with exempted, nil rated, non-GST supply. Now, these are three terms which I have found that they have been often interchangeably used by the taxpayers or the professionals. There is a whole lot of difference between all of them. Sir, what is non-GST, nil rated and exempted? But before that, let me take you to the concepts of these three terms from the Act itself. If you look into the statute, the very definition of the term goods and services, both of the term, they have excluded two things in common. What are the two things which have been excluded? Sir, goods, as has been defined in section 2, subsection 52 of the CGST Act, and services, as again has been defined in section 2, subsection 102. Both of them exclude money and securities. तो ये दो चीजें जो हैं ये नहीं आती हैं इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. सो एनी सप्लाई ऑफ मनी और एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सिमिलरली शेड्यूल थ्री ट्रांजेक्शंस आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सो व्हाट इज, इफ आई एम मेकिंग अ सप्लाई ऑफ लैंड, व्हाट इज इट? इट इज सर अ नो सप्लाई. इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 1A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. Now, my dear friends, in this particular case, what will happen? In this particular case, it is a no supply, and therefore no supply also need to be declared within this particular column. I would suggest you put it into non-GST supply. Now, coming on to the second part, there are two goods which have been which are goods and supply of which is supply of goods, but still they are not exigible to GST. The first one, and you get both of them in the charging section, section 9. Section 9, subsection 1 says that notwithstanding subsection 2, there shall be levied a tax herein after referred to as CGST on all intrastate supplies of goods or services or both other than supply of alcoholic liquor for human consumption. Now, alcohol for human consumption is the first thing which has been excluded from the purview, even though it is a supply of goods, but from the purview of levy of GST, it has been excluded, and therefore, my dear friend, that is the first item which is a non-taxable supply of goods, right, sir? It is not no supply, it is non-taxable supply of goods. Similarly, in subsection 9, subsection 2 of the CGST Act, you have exclusion of 5 petroleum products. What are the 5 petroleum products? Petroleum crude, high speed diesel, petrol, your aviation fuel, and natural gas. These 5 petroleum products are included within the ambit of goods, but they are again made non-taxable under the GST statute. So we have 6 items which are non-taxable supply of goods in the GST regime. What is the status of non-taxable items? Sir, non-taxable is no different a term, because non-taxable supplies have been put within the very definition of exempt supply. If you look into section 2, subsection 47 of the CGST Act, exempt supply has been defined to mean supply of any goods or services or both which attract nil rate of tax. Now, this is again another term, nil rate of tax. Sir, what is nil rated tax? Sir, nil rated are not those taxes which are exempt under section 11 or section 6 of CGST and IGST respectively. Nil rated supply of goods means whose rate has been notified as nil. So when I have to see a rate of a good or services, where should I see? If I have to see the rates of a goods or services, I need to see notification number 1, 2017 central tax rate dated 28th of June 2017, and notification number 11 by 2017 central tax rate again dated 28th of June 2017. 1 provides a rate for goods, 11 provides a rate of services. Now, I will get to see the rates in these two notifications for any goods or services.
in these two notification, you will find that only after four items in these services, a nil rate has been notified. Otherwise, there is no nil rate which has been notified, or there is no item or goods or services which is nil rated. So nil rated again is a very specific term. But if we talk in common parlance, what is nil rated? I have heard many examples, sir. Interest ko dal dijiye nil rated. Dividend ko dal dijiye sir nil rated. Sir, for that matter, electricity dal dijiye nil rated. Sir, these are not nil rated. These are exempt supplies. And for that matter, dividend might not even be a supply. Now, coming back to the definition under Section 2, Subsection 47, exempt supply means a supply of any goods or services or both which attract nil rate of tax or which may be wholly exempt under Section 11 or Section 6 of the Integrated GST Act and includes a non-taxable supply. So, exempt supply ki definition mein teen cheeze include ho gayi: nil rated supply, which is having a nil rate. Number two, exempt supply, exempt under Section 11 or Section 6 of CE or IGST Act respectively. And third, but last but not the least, a supply which is not taxable or a non-taxable supply is included. So petroleum products, the alcoholic liquor for human consumption, nil rated, and fourth is the exemption. All the three items are included where, sir? They are included within the ambit of exempted supply. So in table 5D, you will put in all these items. So electricity 5D. If I have to put book sale, I will use 5D. If I have to put petroleum product sale, I will use 5D. If I have to put interest of my balance sheet, I will use 5D. Now in these particular cases, be very clear, 5D, E, F. Somebody might also ask, sir, I am a air travel agent and I have got reimbursements of the air tickets. Where should I show it? Sir, if you are a travel agent, if you have got the reimbursement of the air tickets, then in that particular case, please show it in table number 5F. Now, in this particular case, non-GST supply will include, though does not include as per definition, but now we are coming that the value of no supply should also be declared. This particular concept of reimbursement is not a concept of supply. It is the concept of taxable value as per Section 15, read with Rule 33 of the CGST Act and rules respectively. Now, my dear friends, in this particular case, there is no separate column for a pure agent recovery or a reimbursement, which might form a part of my profit and loss account, and which might a person want to show here. If a person want to show such a particular value here, he might show as part of table number 4F, sorry, 5F. So that now, why someone want to show this, sir? Because जब ये वैल्यू जो उठ के 9 की कंपेयर होती है विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, तो अगर किसी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सर्विसेज सेल और डायरेक्ट इनकम साइड पे उस रीइंबर्समेंट को इंक्लूड करा और जो उसने पे करा वो उसने अपने डेबिट साइड पे इंक्लूड करा, दो इट इज इनहेरेंटली इनकरेक्ट बिकॉज रीइंबर्समेंट इज नॉट योर सप्लाई. सर, मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया. सर, दैट इज नॉट दी अर्निंग और द प्रॉफिट. None of the items will decide that this particular item is a reimbursement for you or not. Reimbursement has its own test. Primary test is that the activity is between two different people. You are merely a conduit to make the payment for the recipient to the supplier. So that is where the reimbursement thing comes up. Now, in this particular scenario, my dear friends, अगर कोई reimbursements आपने profit and loss में ली है, आपको अपने 9C में दो ही ऑप्शन है. या तो आप अपने 9 में उसको दिखा दीजिए, तो आपके 9C के अंदर वो एक अलग अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस की तरह नहीं आएगा. अगर नहीं, तो आप इसको वहां भी दिखा सकते हैं और इसका रीजन वहां पर भी दे सकते हैं कि ये वैल्यू जो है मेरी परटेन करती है एज अमाउंट रिसीव एज अ प्योर एजेंट. सो यू हैव बोथ दी ऑप्शन टू चूज 5F और द डिफरेंस कॉलम इन दी ऑडिट फॉर्म पर से. अगेन क्वेश्चन ये आता है, हमें ये डिटेल्स जो टेबल नंबर 5 में भरनी है, विच इज पर्टेनिंग टू माई सप्लाइज ऑन विच आई एम नॉट सपोज टू पे टैक्स इन द ईयर, शुड आई फिल इट फ्रॉम जीएसटी 1, 3B और बुक्स. सर, इन द अर्लियर टेबल 4 आई टोल्ड यू हैव टू फिल इट बाई यूजिंग योर 3B. देर इज वन मोर ऑप्शन विच हैज बिन गिवन बाई द डिपार्टमेंट. आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू ऐड दैट. अगर आपका कोई भी ऐसा अमाउंट आपने टैक्स नहीं पे करा और आप
करना चाहते हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस माय डियर फ्रेंड, यू विल देन टेक अप दैट पर्टिकुलर वैल्यू, दैट पर्टिकुलर इन फोर ओनली, मे बी फोर बी और सी, व्हाट एवर द केसेस, बी टू बी या बी टू सी, और उसके ऊपर आप टैक्स पे कर दीजिए, राइट सर? सो उसके ऊपर आप टैक्स कैसे पे करेंगे, फॉर्म के आखिरी में आपके पास एक ऑप्शन आएगी DRC 03 की, उसके माध्यम से उन यू कैन पे पेड, सो दैट इज ऑल्सो एन एडिशनल विच वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न बट वॉज एडिशनली एज आई वुड से फीचर, एडिशनल फीचर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया. अब ये जो इवोल्यूशन है, अगेन उसने फॉर्म 9 को थोड़ा सा के माइंड में कंफ्यूज कर दिया, बट आई होप आई एम एबल टू मेक आउट सम सेंस ऑफ व्हाट हैज गॉन इन द पास एंड हाउ दिस फॉर्म हैज टू बी अप्रोच्ड. 5 टेबल नंबर शुड बी फिल्ड फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट. सर मैं एग्जाम टर्नओवर दिखाई नहीं है, 3B में भी नहीं और 1 में भी, कोई बात नहीं सर, अब दिखा दीजिए. सो यू आर द कंसल्टेंट फॉर अ स्कूल जिसकी टर्नओवर 6 करोड़ रुपए है, बट उसके अंदर रेंट केवल 25,000 रुपये महीना आता है, जो कि आपने 3B में और 1 में दिखा दिया था. सर कोई बात नहीं, अब आप उसका जो बचा हुआ 5,97,00,000 का टर्नओवर है, वो GST 9 में एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में दिखा दीजिए, एंड योर डिक्लेरेशंस विद द डिपार्टमेंट विल बी क्लीन क्लियर, इट विल बी डन. आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन व्हाट आई एम सेइंग. सो दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स, क्योंकि ये एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अमेंडमेंट्स, कोई भी इन चीज़ों से हमारी टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं आएंगी. आप इसको दिखाना चाहें जहां दिखाना चाहें, इससे आपके ऊपर कोई फॉल थ्रू नहीं है. आपके पास फॉल थ्रू केवल एक ही चीज का है, बी वेरी क्लियर व्हाट यू हैव टेकन एज एग्जेम्प्टेड इज एग्जेम्प्टेड. सो कई लोगों ने फोर फीचर को टैक्सेबल माना है ना, कईयों ने अन रिटन बैक बैलेंसेस को सप्लाई मान के टैक्स पे कराया, कईयों ने डिविडेंड को एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना है. देर आर एन नंबर ऑफ व्यूज राइट नाउ विच हैव बिन फिल्ड इनटू निल रेटेड, नो सप्लाई और नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई, बट आई होप आई एम एबल टू डिसाइफर सम ऑफ द थ्रेड्स फॉर यू. इन टेबल देयर वाज वन क्वेश्चन व्हिच पॉपड अप ऑन द स्क्रीन जस्ट 2 मिनट्स बैक, निल रेटेड में क्या दिखाना है. सर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, निल रेटेड के अंदर से कुछ नहीं दिखाना है, बट क्योंकि कॉलम अलग से दिया हुआ है, निल रेटेड इवन दो इंक्लूडेड इन एग्जेम्प्टेड, इट इज गिवन निल रेटेड है 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, आप उनको निल रेटेड में दिखा दीजिए, और एग्जेम्प्टेड में केवल नॉन टैक्सेबल सप्लाइज एंड एग्जेम्प्ट सप्लाइज को दिखा दीजिए, राइट सर? सो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज देन आंसर्ड. वी मूव फर्दर. कमिंग ऑन टू पार्ट 3, पार्ट 3 डील्स विद ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट की जब भी बात करेंगे तो दोहरी तलवार है, इट इज अ 2-एज्ड स्वॉर्ड. अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया तो भी टैक्स पेयर का नुकसान, अगर आपने गलत ले लिया तो टैक्स पेयर से रिकवरी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. सो अनलाइक माई टैक्स विच इज अ सिंगल साइडेड डैमेज, ITC इज अ 2-एज्ड स्वॉर्ड. नाउ देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑल्सो ऑन ITC. मैं आप सबके सामने एक सिचुएशन बोल रहा हूं और आपको सोचने के लिए आई एम लीविंग इट ऑन टू यू. व्हेन एवर वी मीट नेक्स्ट वी विल डिस्कस दिस. आई एम अ सप्लायर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स एंड आई एम सेलिंग दिस पर्टिकुलर गुड्स. आई एम लेट अस से आई एम अ मल्टी मल्टी फंक्शन प्रिंटर. नाउ लेट अस से 12%, बट इफ देर आर एडिशनल फीचर्स एंड दी प्रिंटर फॉल्स इन टू अ डिफरेंट कैटेगरी विच इज हैविंग यू नो दी फैक्स मशीन दी फोटो कॉपियर एंड एवरीथिंग, इट इज टैक्सेबल अंडर 18% मे बी. नाउ वाई एम यूजिंग द वर्ड मे बी, आई एम नॉट वेरी क्लियर वेदर इट इज 18% एंड 12%. तो मैंने क्या करा सर, मैंने कहा कि अपने SSC को टैक्स पेयर को कहा कि आप एक काम करो, आप जो है कंजर्वेटिव व्यू लो, 18% टैक्स पेयर. उसने कहा सर मेरे को तो मार्केट में महंगा पड़ेगा, बट समवेयर यू कन्विंस्ड हिम. नाउ ही इज सेलिंग अ प्रोडक्ट विच इज ऑफ 12% 18% राइट सर. जो 6% वो एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहा है राइट,
क्या वो टोटल 18% आउटपुट टैक्स अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज करके पे कर सकता है? मैं क्यों कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन ओनली बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। एंड इंटरेस्टिंगली व्हेन यू विल रीड द डेफिनेशन ऑफ आउटपुट टैक्स, सॉरी, आउटपुट टैक्स हैज बीन डिफाइंड इन दी डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 82। आउटपुट टैक्स मीन्स टैक्स चार्जेबल। अगर आप इनपुट टैक्स की बात करेंगे, हमेशा वहां पे वर्ड लिखा हुआ है इनपुट टैक्स चार्ज्ड, बट आउटपुट टैक्स में वर्ड लिखा है टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाई। सो माय डियर फ्रेंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड चार्जेबल एंड चार्ज्ड। सो क्या मैं उस 6% को इनपुट टैक्स यूज करके पे कर सकता हूँ? सोचिएगा, इसको हम अगली बार डिस्कस करेंगे। और खास तौर पे एनी पर्सन हु सेज कि सर मेरा प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है या टैक्सेबल, एंड दी कंसल्टेंट और दी काउंसिल सेज काम करो यार कंफ्यूजन लग रहा है, तुम एक काम करो कंजर्वेटिव यू लेकर पे कर दो, टैक्स पे कर दीजिए। नाउ व्हाट विल हैपन इज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन, नो टैक्सेस मोर देन इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाइज, नो पर्सन कैन कलेक्ट दी टैक्सेस इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाइज मोर देन द रेट नोटिफाइड अंडर दी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। नाउ बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन दी अमाउंट विच यू हैव कलेक्टेड इज नॉट टैक्स, इट इज एन अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स, एंड देयर फॉर दिस पर्टिकुलर अमाउंट कैन नॉट बी पेड थ्रू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यू विल हैव टू यूज योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू पे दिस पर्टिकुलर अमाउंट। थिंक अबाउट इट, वेरी वेरी पर्टिनेंट इश्यूज विच विल कम अप टूमोरो बिफोर ऑल ऑफ अस, एंड इन दीज पर्टिकुलर केसेज अननेसेसरी डिमांड्स विल कम अप फॉर दी एसएससी, इवन दो टैक्सेस आर पेड, बट व्हाट बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर, ये सब सवाल जो है कल को तंग करेंगे टू ऑल द टैक्समैन। नाउ कमिंग ऑन टू द फिलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इन 6A द टेबल्स अंडर टेबल्स 6 व्हिच इज रेंजिंग फ्रॉम टेबल 6A टू टेबल 6O रिलेटिंग टू आईटीसी इन केस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने 18-19 में लिया है, 19 का जो लिया है वो नहीं सर, 18-19 जो लिया है दैट विल बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 6A टू 6O। 6A क्या कहता है, ये एक ऑटो पॉपुलेटेड टेबल है, जो भी आपने 3B में क्रेडिट लिया था वो सारा क्रेडिट यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमसे क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा हमने आपको ये बता दिया आपने कितना टोटल क्रेडिट लिया, अब आप एक काम करिए हमें इस पर्टिकुलर क्रेडिट को आप डिवाइड कर दीजिए बिटवीन इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज। राइट माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज इनपुट्स, व्हाट इज कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज, एवरीबॉडी इज अवेयर। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें आज आपको कंफ्यूज करता हूँ कि इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज क्या है। सर इनपुट्स और कैपिटल गुड्स सुनता है तो दोनों वर्ड्स में एक चीज क्या कॉमन है, ये दोनों गुड्स है। एंड व्हाट इज इनपुट सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज इज एनी सर्विसेज। इफ यू लुक इन टू द डेफिनेशन ऑफ द थ्री टर्म्स, कैपिटल गुड्स हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 19, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अगेन हैव बीन डिफाइंड इन 2 सब सेक्शन 59 एंड सब सेक्शन 60 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इनपुट मींस एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज बाय अ सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस। मतलब क्या है, कोई भी गुड्स जो कि कैपिटल गुड्स नहीं है वो इनपुट्स है। सो इनपुट्स इज अ रेसिडुअल कैटेगरी। सिमिलरली इनपुट सर्विसेज, व्हाट डज इट मीन, इनपुट सर्विसेज मींस एनी सर्विसेज यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इनपुट सर्विस की कोई ब्रांच नहीं है, हमारी कोई शाखा नहीं है, राइट सर। इनपुट सर्विसेज ऑल एनी सर्विस, राइट। व्हाट इज कैपिटल गुड्स, सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 सेज कैपिटल गुड्स मींस गुड्स, कैपिटल गुड्स मींस, आई एम गोइंग स्लो ऑन दिस डेफिनेशन, कैपिटल गुड्स मींस गुड्स कॉमा द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। मैं बाकी डेफिनेशन छोड़ देता हूँ, आई विल बी फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डेफिनेशन। सो कैपिटल गुड्स मींस गुड्स, मीनिंग देयर बाय कैपिटल गुड्स नीड टू बी गुड्स, एंड वंस गुड्स पर्टिकुलर केस इफ द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स आर कैपिटलाइज देन दे बिकम कैपिटल गुड्स। सो लेट मी टेक वेरी फ्यू क्विक एग्जाम्पल्स, इफ आई एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट योर थॉट्स इन द चैट बॉक्स, आई एम ऑल्सो ओपनिंग अप द चैट बॉक्स इन फ्रंट ऑफ मी। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इनपुट्स फॉर अ
manufacturer. What is the status of a raw material for a manufacturer? Is it inputs, input services, or capital goods? Right, sir? क्या वो इनपुट है, इनपुट सर्विसेज है या कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल फॉर अ मैन्युफैक्चरर? आंसर इज वेरी सिंपल सर, इनपुट्स। ठीक है सर, महक जी, विक्रम जी, बिल्कुल सही, दैट इज करेक्ट। कंसल्टेंसी फॉर अ मैन्युफैक्चरर, इनपुट, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स? कंसल्टेंसी एक्सपेंस फॉर अ मैन्युफैक्चरर, इनपुट्स, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स? इनपुट सर्विस, राइट। For the convenience, you can also use the word IS or I or CG. Printer for a chartered accountant. I am a chartered accountant. I purchased a printer. Is it input, input services or capital goods? Perfect. Capital goods, right? Consumable for a manufacturer. Input, input services or capital goods? Inputs. Perfect. Now coming on to the crucial question. A manufacturer has purchased a big boiler without installation. Only big boiler as a machine. Input, input services or capital goods? Capital goods. ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ी जोर से पूछ लिया तो उससे वो नेचर फर्क नहीं हो जाएगा सर, कैपिटल गुड्स ही है। नाउ आंसर दिस, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस स्पेंट ऑन ब्रिंगिंग दैट पर्टिकुलर बॉयलर फ्रॉम द सप्लायर टू माय लोकेशन? मैंने पे करा है, मैं बायर हूँ और मैंने वो बॉयलर को जो लाने का फ्रेट पे किया, उसको जो टैक्स पे करा, वो मेरे लिए इनपुट सर्विस का है, कैपिटल गुड्स का है, इनपुट्स का है? मैं क्यों ये स्पेसिफिक सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस फ्रेट को कैपिटलाइज करूंगा एज पार्ट ऑफ कैपिटल, वो आप सबको पता है। सो इनपुट, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड, आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ हियर इज वेयर द एंटायर हाउस डिवाइड्स। देयर विल बी learned members who will say capital goods, there will be learned members who will say input service, nobody will say inputs, that is for sure. Now my dear friends, in this particular case, let me read out the definition of capital goods again to you. Capital goods, section 2 subsection 19 of the CGST act. Capital goods means goods, comma, value of which is capitalized in the books of accounts. So jo invoice maine aapko di hai, kya wo goods ki invoice hai? How buyer change the nature of the supply which has been received? Can buyer change the nature of the supply which has been received? अगर मुझे supply of goods हुए हैं तो क्या मैं उसे supply of services बना दूंगा, और अगर मेरे को supply of service हुई है तो क्या मैं उसे supply of goods बना सकता हूँ as a buyer? No. So मैं input service जो मेरे को मिली है, मैं कैसे उसको, क्योंकि मैंने capitalize किया है, उसको मैं कैसे capital goods में convert कर सकता हूँ? Please understand and appreciate the intent of the legislature was to see into every item. It is not saying every value which is capitalized as part of the goods. It is saying capital goods means goods, comma, value of which is capitalized. So it is not the value of capital goods which will decide. So aapka agar koi saman capital goods hai, uski value mein kya kya included hai, wo sab kuch capital goods nahi ban jayega. कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स। तो सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा कि जो आपके सामने इनपुट टैक्स क्रेडिट खड़ा है, क्या वो गुड्स है या नहीं है? अगर वो गुड्स नहीं है, सर्विसेज है, तो फिर वो कैपिटल गुड्स के दायरे में नहीं जा पाएगा। सो मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूंगा, नंबर एक, नॉट एवरीथिंग विच इज कैपिटलाइज इज कैपिटल गुड्स। नंबर टू, Not every part of the value of so-called goods in your financial is capital goods. It will be seen from every perspective of every invoice which comes to you. Right, sir? Moreover, let me take another addition to this. Now I am taking it a step forward, which will confuse you in totality. I am supplying you the boiler along with installation.
व्हाट डज दैट मीन? बॉयलर इंस्टॉल होने के बाद क्या बन जाता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है सर? एज पर सेक्शन सेक्शन 19, इट इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल सेक्शन 1 सब सेक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ डीम्ड सप्लाई ऑफ सर्विस करूंगा फॉर बॉयलर इन सिंगल सप्लाई। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर अप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द इनवॉइस व्हिच आई विल बी रेजिंग विल बी द इनवॉइस फॉर सर्विसेज, राइट सर, अंडर 9954। इंटरेस्टिंगली व्हाट विल यू कॉल सच अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन? इनपुट इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। आई कैन टेल यू वी ऑल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी विल नॉट अप्रिशिएट दैट दिस कैन नॉट बी कॉल्ड इनपुट सर्विस। एवरीबडी विल बी इंक्लाइंड टू आंसर मी एज कैपिटल गुड्स। My humble submission is again, my dear friends, you are in the very nature of the invoice of service which has been received by you into goods. Think about it. There is a lot which need to be think. There might be an anomaly which has been left by the legislature. Don't say everything is perfect today. But if there is an anomaly, please, by your common sense, by the very application of the accounting knowledge what we have and we are experts in that, please do not. If you say no, my reading of capital goods says, capital goods means goods, value of which is capitalized in the books of accounts. I mean, then you are taking a decision. I am fine with it. So I have given you two food for thought today. One in terms of this particular topic, and the other was in respect of the tax of output tax, which is payable by input tax credit when the definition of output tax has been shown as chargeable. Let me move forward further. अच्छा, इसके अंदर अब गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्सेशन कर दी थी? इन्होंने अगेन इन टेबल नंबर 6B, 6C, 6D, 6E अगेन यू नो दे हैव रिलैक्स्ड एंड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18 जा चुका है। फॉर द पर्पस ऑफ 18-19 दिस पर्टिकुलर कॉलम 6B, C, D, the entire value need not be given a breakup in input capital goods and input services. This particular change was brought in by virtue of the CGST 7th amendment rules 2019 with effect from 14th of November 2019, and therefore entire value of your input tax credit you can show in front of inputs only, right sir? So in point B, should only ITC of FY 18-19 should be recorded? Vikramji, definitely it will be only 18-19. We will not take any spillovers. अगर आपने 18-19 का कोई भी tax 19-20 में लिया है तो उसके लिए एक अलग कॉलम है, मैं उसके ऊपर आता हूँ। आपको पता है टेबल नंबर 13, यू हैव यूज्ड इट इन 17-18, 18 सेम टेबल यू अगले साल आपने लिया, राइट सर? नाउ 6B, 6C, 6D सारे ब्रेकअप्स मैंने आपसे कर लिए। आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो करे इंक्लूडिंग जो SEZ से आपने इम्पोर्ट किया वो आपको 6E में दिखाना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज देयर एनी टाइप इम्पोर्ट ऑफ गुड्स? आप इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का जो क्रेडिट लेते हैं वो किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लेते हैं? एज पर योर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 रेड विद रूल 36 सब रूल 1 द डॉक्यूमेंट इज योर बिल ऑफ एंट्री। अगर मैं 17-18 में मैंने क्रेडिट में आज ले सकता हूँ सर, मैं उसका क्रेडिट बिल्कुल आज ले सकता हूँ। देर इज नो बैरियर। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 विच इज अ सेक्शन विच इज पुटिंग अ बैरियर ऑन द ITC आफ्टर अ टाइम लिमिट, दैट डज नॉट पोज अ बैरियर फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज रिलेटेबल टू बिल ऑफ एंट्री और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस। सो आप उसका क्रेडिट आज भी ले सकते हैं। मैंने ये स्पेसिफिकली क्यों डिस्कस किया? बिकॉज देर आर मेनी केसेस इन विच अ क्रेडिट हैज बीन टेकन बाय द इम्पोर्टर इन सर्टन ब्रांचेस, बट द GSTN डिक्लेयर्ड ऑन बिल ऑफ एंट्री इज ऑफ अ डिफरेंट ब्रांच। सो इन दोज पर्टिकुलर केसेस व्हाट एरर दे हैव डन इज दे हैव टेकन द ITC इन अ ब्रांच विच डज नॉट हैव अ वैलिड बिल ऑफ एंट्री विद इट, and therefore tomorrow that particular credit will definitely be challenged, will definitely be denied by the department in the coming days.
My humble submission is today also you can rectify your reflection and take a credit, show the output liability from the branch where there's the GSTN of which branch is shown in the bill of entry. Rectify those particular things. So allow me to move further. 6B, D, E, F, G, S, transitional credit. अब इतने झगड़े हो चुके ट्रांजिशनल क्रेडिट के ऊपर. आई थिंक एवरीबडी इज टायर्ड ऑफ हियरिंग दिस वर्ड ट्रांजिशनल क्रेडिट. मोर और लेस दी अमाउंट्स विच वर टू बी टेकन या तो सीधा सीधा फाइल करके या फिर आई थिंक कोर्ट्स में जाकर ट्रांजिशनल क्रेडिट को सभी एसएससीज ने ले लिया है. जब हम बात करते हैं ट्रांजिशनल क्रेडिट की, मैन इफ यू लुक इन टू दी वेरियस जजमेंट, बी इट द जजमेंट ऑफ सिद्धार्था एंटरप्राइजेस बाय ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट, बी इट दी जजमेंट ऑफ एड फॉर टेक्नोलॉजीज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बी इट दी जजमेंट ऑफ दिस वन ब्रांड इक्विटी, एबी पाल एंड कंपनी, ब्लूबर्ड, कनिष्ठ ऑटोमोबाइल्स, लॉट ऑफ जजमेंट्स फ्रॉम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, बैटरी ऑफ दे, सब में क्या यूनिक है? सब में एक बात कही गई कि भाई दी ट्रांजिशनल क्रेडिट इज अ वेस्टेड राइट ऑफ एसएससी व्हेन देवर. द रीजन इज बिकॉज द क्वेश्चन व्हिच वाज कॉन्फ्रंटेड बाय ऑल दी ऑनरेबल कोर्ट्स वाज प्राइमरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू 40 सब सेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, द यूनिक थिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट अ क्रेडिट विच वॉज अवेल्ड इन द प्रीवियस रिटर्न्स एंड टू बी कैरिड फॉरवर्ड इन द पीरियड विच इज ऑन और आफ्टर 1st of July 2017. तो उसमें क्या था, मैं अपने केवल बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना था मेरे को 140 सेक्शन 1 में, और अगर मैं वो ट्रांजिशनल क्रेडिट नहीं फाइल कर पाया टाइम से या फिर मैंने कोई कैपिटल गुड्स खरीदे थे उनका क्रेडिट 140 सबसेक्शन 2 में नहीं ले पाया, इन ऑल दोस केसेस देयर वाज अ वेरी यूनिक थिंग दैट देयर वाज नो न्यू इनपुट टैक्स व्हिच वाज गेटिंग क्रिएटेड. इट वाज ऑलरेडी अवेलेबल टू मी. ओनली इन द केस ऑफ सी वाज अ कंसेशन व्हिच वाज गिवन टू अ पर्सन हु वाज रादर अंडर 140 सबसेक्शन 6 आल्सो देयर वाज अ कंसेशन गिवन टू अ पर्सन हु वाज अर्लियर who has not availed any input tax credit, but he is now availing. The only perfect case of concession is section 140 subsection 3. Even in case of section 140 subsection 6, one can say, sir, there was no need of ITC, reason being it was at a fixed rate in lieu of the normal tax. So by the virtue of in lieu, there was a deemed credit which was available as a vested right. What is vested right? Not every credit which you have is your vested right. The concession is the correct word. The benefit is the correct word which is used for input tax credit as per the scheme of GST. There are conditions which have been provided in Section 16. When we speak about input tax credit, we should also refer to the judgment of Eicher Motors ALD Automotives, whereby it has been said that this particular input tax credit is basically a concession or a benefit given to the SSC, and on the fulfillment of the conditions, it is debit, it is available to the SSE as a inherent or a vested right. Now, once those conditions are fulfilled, then that particular ITC, which was earlier a concession, becomes your vested right, and then your vested right cannot be taken away from you. Yesterday, also in one of the judgments of Honorable Gujarat High Court in the case of DKS, I think that judgment is awaited. We will get that judgment on Monday. The refund on input services has also been allowed by striking off that particular notification. Let the final judgment come, then I can share the fine entry cases with all of you. But again, the sole point is one that the credit has become a vested right. And if you read into the decisions of Honorable Delhi High Court, Siddhartha Enterprises, Gujarat High Court, they have very particularly categorically also compared the input tax right with the right of property under Article 300A. Siddhartha Enterprises has beautifully said that even though this particular right is no longer a fundamental right to property, but still it is a right under the Constitution. So my right, which is my vested right, my input tax credit, when it becomes a vested right, it becomes my property. And in those particular cases, I am supposed to the Constitution gives me a protection that it cannot be taken away by the government
without any cause. Now, when we say concession, we are talking about the conditions which have been provided in section 16, subsection 2, 3, 4, section 17. So these are the sections which provide. And looking at the rules, rule 36.1 to 36, whether 36.4 is an intra-vias rule, I'm going into that particular context. But having said so, I am also reminding you of the judgment of Mangalore Chemicals, whereby the Honorable Supreme Court, it was in the VAT context, there are conditions and conditions. There are a lot of conditions which are provided in the Act, but some are procedural and some are substantial. Substantial conditions which are there to give effect to the policy of the legislature. Both procedural and substantive cannot be given equal weightage. And it is only the substantive which can deny or which can devoid the taxpayer of his right of that input tax credit, not the procedural ones. So that one beautiful judgment also comes to the rescue when you speak about input tax credit. Now coming on to the very recent judgment of brand equity, I'll take it because it was relating to transitional credit, and the word transitional credit is what we are in front of. In this particular judgment, the question was whether that particular time limit under section 140 subsection 1 read with rule 117 applicable, or is it the timeline, if it is not complied, will devoid the SSE of the total credit. Now in this particular judgment, the Honorable Delhi High Court was very categorical in saying or observing, and I'm first referring to the various observations made by the Honorable High Court before we go on to the conclusion. The defendant submitted, or it took shelter of various judgments which were already, you know, of the taxpayers, including AB Pal and Edford and all those cases. Apart from that, the very specific mention that in AB Pal Electrical, it was held by Honorable Delhi High Court that GST system is still in its nascent stage and is in a trial and error phase. So that is a very, very important observation in that particular judgment, which was pointed out in brand equity. And therefore, you know, again, all those 300A property rights and everything was discussed. Then there was also a reference which was given of circular CBSE instruction number 20/10/16/2018, whereby the portal was allowed to be opened for taxpayers who were not able to file because of technical glitch. Now this particular word technical glitch, as has been brought in by the rule 117 sub rule 1A, was read very in a very wide manner by the Honorable Delhi High Court, and there is where the entire benefit was given. Now the question which was taken up fundamentally by the Honorable High Court was whether the government could curtail the accrued and vested right and restrict it to 90 days by a subordinate legislature. Why it said subordinate legislature? Because the Act section 140 does not contain a timeline, and the timeline was only there in section in rule 17. Now this particular section has been amended with effect from 18th of May 2020, whereby the Act now includes in the time and manner. Earlier time was missing, and therefore the mention of the day time limit in the rules has now been given life by introduction of the words in within the time and the manner prescribed. So this particular time frame introduction in the Act has given life to the rule. Now will this be applicable retrospectively as brought in by the government, or will the courts read it prospectively? Honorable Madras High Court, in the recent judgment which has been given in this context, has read it in the favor of the revenue. The matter is sub judice. The entire all these Tranman issues are sub judice before Honorable Supreme Court, and we are hopeful that this particular judgment will come tomorrow in the favor of the assessees. So brand equity, it upheld the right, it did away with the timeline. Now it did not left the entire timeline in a very manner. The most important observation which was made in brand equity was that in absence of the timeline limit given under the Act, that in terms of the residuary provision of Limitation Act, the time period of 3 years
should be the guiding principle, and 3 years from the appointed date is the period within which you should file your claim of your right which is vested in you. So ये नहीं है कि वेस्टेड राइट है तो परपेचुटी में आपका हो गया. इवन दो इट इज अ वेस्टेड राइट, यू स्टिल नीड टू मेक अ क्लेम एंड विद इन दी लिमिटेशन विच इज एप्लीकेबल अंडर द लिमिटेशन एक्ट. सो माई डियर फ्रेंड्स, आई होप ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो ट्रांजिशनल क्रेडिट आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर. A7B7D, a lot of reversals are there. Mohit ji, reversals everybody is aware of. And can we again, if members have any question on input tax credit, I would request members to please take up the queries on input tax credit, please. Sir, there is a common query for the members that in financial year 18-19, there are 3 years input tax credit has been we can say कि 3 सालों का सर ITC जो है ना वो इन्वॉल्व है. एक तो 18-19 में जो मैंने 17-18 का लिया, एक 18-19 में जो 18-19 का लिया, और एक जो मैंने 18-19 का 19-20 में लिया सर. तो वो किस किस कॉलम में रिस्पेक्टिवली सर शो करेंगे, ये कॉमन क्वेरी फ्लोट हो रही है सर मेंबर्स की. ठीक है जी, इसमें मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि सबसे पहले ये नोट कर लीजिएगा कि जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है या आपका टैक्स पेबल है, सेम झगड़ा उसमें भी है. क्योंकि टैक्स पेबल के अंदर भी आपने 17-18 का टैक्स 18-19 में पे किया है, 18-19 का तो 18-19 में पे किया ही है, और 18-19 का 19 भी. सो ये जो 3 सालों की कड़ी है, ये टैक्स आउटपुट टैक्स में भी है और इसमें भी है. ये कॉमन अभी लूंगा 12:30 सर, बिफोर दैट, क्योंकि आज मेरे ख्याल से सब कुछ मेरा कभी भी ये आई एम नॉट ऑफ द थॉट प्रोसेस कि आई हैव टू रश एंड डिस्कस एवरीथिंग. वॉट एवर वी नीड टू डिस्कस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. तो आज मैं मेरे हिसाब से मैं केवल एनुअल रिटर्न ही पूरा डिस्कस कर पाऊंगा और अपने आधे घंटे में, और इसी में जो जो क्वेरीज होंगी वी विल टेक अप. तो सबसे अभी मैं 10, 11, 12, 13 पे आऊंगा. देर आर एंट्री केसेस विच आई विल डिस्कस, बट क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर कोई और अभी भी शंका कोई भी किसी के मन में रहती है तो वो मेरे से पहले डिस्कस कर लीजिए. ये क्रॉस ब्रिजिंग ऑफ द 3 ईयर्स मैं अभी डिस्कस करूंगा. सो आई थिंक नो क्वेश्चंस ऑन द पार्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. नाउ कमिंग ऑन टू टेबल नंबर 8. टेबल नंबर 8 क्या है सर? यहाँ पर एक झगड़ा आता है 2A का. ये में ही अब 2A क्या है, सप्लाई इन जीएसटी वन. अगर किसी सप्लायर ने जीएसटी वन में कोई डिटेल नहीं भरी है तो वो मेरे 2A में क्योंकि जो फाइल जिस कोई भी दैट वो ओनली टिल 20th of October 2019, मीनिंग देयर बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ जीएसटी ऑफ सितंबर 2019, अनलाइक 2017-18 जहां पे रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नंबर 2 गवर्नमेंट ने इशू करा था, ऐसा सिमिलर ऑर्डर उन्होंने 2018-19 में नहीं इशू किया. तो वो जो एक्सटेंशन 31 मार्च तक की 17-18 की थी वो 18-19 के लिए नहीं मिली. एंड इसीलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा सभी जितने भी आपके सप्लायर्स हैं उनको 20 तारीख तक उन्होंने जो भी 2A में आना था वो आ चुका होगा, और वो ही 2A हम 1 नवंबर को उठा के आप यहाँ पर दिखा देंगे एंड दैट विल बी द क्रेडिट विच शुड बी अवेलेबल टू यू. नाउ क्वेश्चन इज सर, आई एग्री आप 1 नवंबर का दिखा देंगे, सामने वाला अपनी रेक्टिफिकेशंस नहीं कर सकता था, बट वेयर अंडर द लॉ इज इट सेड कि मेरा जो क्रेडिट है वो 2A से ही अलाउ होगा?
Rule 36(4) was brought in from October 9, 2019, and it was not applicable for financial year 18-19. Without going into the merits whether 36(4) is intra vires the act or not, whether it is within the powers of Section 16, Subsection 1 of the CGST Act or not, the very simple and plain statement which I am making is for financial year 18-19, there was no rule even which was talking about restricting the credit to a taxpayer vis-a-vis GSTR 2. Apologies. रूल ही नहीं था, कोई एक्ट प्रोविजन नहीं था जो टूए से रोक रहा हो, तो इसकी में क्या फर्क पड़ेगा? सर बहुत बड़ा नोशन है, अगर मेरा टूए कम है और मेरे आईटीसी के अंदर मैंने 6B और 6H में ज्यादा ले लिया तो मेरे को जो है रिवर्स करना पड़ेगा? नहीं सर, आपको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, आपको दूसरी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी? अगर मेरे 2A के अंदर कोई क्रेडिट आ रहा है और मैंने उस क्रेडिट को नहीं लिया, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। क्यों? इसका मतलब कुछ परचेजेज ऐसी हैं जो नहीं करी, और अगर ऐसी कोई परचेजेज हैं तो कल को डिपार्टमेंट उनकी सप्लाईज को भी पूछ सकता है। एक सप्लायर ने कहा है कि मैंने इस व्यक्ति को सप्लाई करी है, और अगर उस व्यक्ति ने अपनी परचेज बुक नहीं करी है तो सप्लायर से पूछा जाएगा कि आप प्रूव करिए कि आपने इसको सप्लाई करी। अगर उसने प्रूव कर दिया और वो रिकॉर्डिंग रिसिपिएंट के एंड पे नहीं मिली, देन देयर विल बी अ डीम्ड सप्लाई चार्जेबल टू टैक्स ऑन दी इन दी हैंड्स ऑफ दी रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट कल को क्या कहेगा? सर मैंने ऑलरेडी, देखिए आपने मेरे को ये माना कि मैंने जो है ये सप्लाई आउटवर्ड की तरह कर दी और मैंने ये सप्लाई 1 करोड़ की कर दी, पर आपके सामने 2A के अंदर 90 लाख के तो मेरे परचेज के बिल आ रहे हैं, तो मेरे को उसका भी बेनिफिट दीजिए। सर 90 लाख के जो परचेज के बेनिफिट के जो आपके सामने आ रहे हैं, कभी भी आपने उनको क्लेम नहीं करा, एंड देयरफॉर अनलेस यू मेक अ क्लेम दैट पर्टिकुलर इनपुट टैक्स क्रेडिट डज नॉट बिकम योर वेस्टेड राइट ऑटोमेटिकली, सो दैट मे बी अ पोजिशन विच मे बी टेकन अप बाई द कोर्ट्स। आई एम राइट नाउ लीविंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज इट विल बी सब जूडिस, आई कैन टेल यू इन द कमिंग मेनी ईयर्स, बट अगर आप ज्यादा है तो ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में, 2A कम है तो आपके पास कोई रूल और सेक्शन है ही नहीं जो आपको मना करता हो। आपको केवल ये देखना है कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, और रूल 36 सब रूल 1, 2, 3, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, 3, 4, ये सब आपने फॉलो करें। अगर आपने वो फॉलो करें, देयर इज नो पॉइंट वेयर द लेजिस्लेचर और वेयर द डिपार्टमेंट कैन डिनाई द क्रेडिट टू यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू शुड लुक इनटू availing the credit is receipt of goods or services. होता क्या है, हम ये कहते हैं कि क्या तेरी 2A में एंट्री आ रही है? आ रही है सर। आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस है सर। आपके पेमेंट बैंक से आरटीजीएस से हुई है तो ये आईटीसी आपको अलाउ होगा? नहीं सर। इसके अंदर एक बहुत अहम कड़ी है रिसीट ऑफ गुड्स की। आप पीछे हमने देखा बहुत सारे केसेस में एक टर्म यूज हुई है जो कि डिफाइंड नहीं है, फेक इनवॉइसेस। इवन fake invoice menace is the term which has been used, and rule 36(4) was brought in with that idea only. But having said so, jo fake invoices hai uske andar ek hi kami hai, receipt of goods by from the same supplier, right sir? Baki to sari conditions fulfill ho rahi hai. Now receipt of goods agar hum in cases mein nahi dekh rahe hain to kahin na kahin pe wo exposure the professional who is audited जीएसटी ऑडिट इन 9C उस पे भी है और जो टैक्स पेयर है उस पे भी है। बट यस, इन केस ऑफ द टैक्स, इन केस ऑफ द प्रोफेशनल, द प्रोफेशनल में रेफर टू द प्रेस रिलीज व्हिच वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन 3rd of July 2019, वेयर द ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल वाज लिमिटेड, द क्वेश्चन ऑफ रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लॉज नंबर एच ऑफ प्रेस रिलीज डेटेड 3rd of July 2019, role of chartered accountant in certifying reconciliation statement. There are apprehensions that chartered accountants may go beyond the books of accounts in 9C. The GST Act is very clear in this regard. With respect to the reconciliation statement, their role is limited to reconciling the values declared in annual return with audited annual accounts. So my dear friends, this one clarification of reconciling and not looking into the qualitative aspects of the values
takes away the liability from the shoulders of the chartered accountant. But in my humble opinion, the way the I am not in agreement with the press release, because where it is saying ki as per the audit prescribed. Now, if you look into the definition of audit as provided in the CGST Act, and CGST Act Section 2, Subsection 13 defines the term audit. Audit means examination of records, written other document maintained or furnished by the registered person under this act, and to verify the correctness of turnover declared, taxes paid, refund claim, and input tax availed. So, ये करेक्टनेस ऑफ आईटीसी अवेल्ड को भी चेक करने के लिए कह रहा है, टैक्सेस पेमेंट की करेक्टनेस को कह रहा है. ऑडिट की डेफिनेशन एज हैज बीन डिफाइंड इज वेरी वेरी वाइड. सो इन माय हम्बल ओपिनियन माय डियर फ्रेंड, देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ कॉशन. अगर आपको लगता है कि कोई केस ऐसा है जहां पे केवल बिल ही आए और गए हैं, एवरीबडी कैन सेंस ऑन, माय हम्बल सबमिशन वुड बी प्लीज डू नॉट ऑडिट सच अ पर्टिकुलर केस. टेक अप द केसेस वेयर देयर आर जेन्युइन प्रूफ्स व्हिच आर ऑल दी असेसीज जो लास्ट मोमेंट पे आते हैं, उनको हमें कहीं ना कहीं पे कहना पड़ेगा, सर आपके पास जितनी मर्जी पॉसिटी ऑफ टाइम हो, बट माई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो रिक्वायर्स मी कि आपकी सारी कमियों को मैं सामने लेकर आऊँ, कम से कम आपके, और कहीं ना कहीं उसका मेंशन मैं अपने डिस्क्लेमर में भी करूँ. सो वो चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा. रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक बहुत ही अहम कड़ी है इस पर्टिकुलर केस में, राइट सर? सो 8A का मैंने आप सबके साथ शेयर करा कि उसकी एक लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, एक लिमिटेड उसका यूज है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टेबल, टेबल 10, 11, 9 इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस. आई एम नॉट गोइंग इनटू इट. टेबल 10, 11, 12 एंड 13, अगर आपने कोई भी 18, 19 का टैक्स 19, 20 में पे करा है, उस पर्टिकुलर टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स को आप कहाँ मेंशन करेंगे? टेबल नंबर 10 में. अगर आपने कोई भी टैक्स 18, 19 में एक्सेस पे कर दिया था, जिसकी एडजस्टमेंट आपने 19-20 में ली, तो उसको आप कहाँ शो करेंगे? उसको आप शो करेंगे टेबल नंबर 11 में. और कोई भी आईटीसी जो आपने 18-19 का 19-20 में लिया, उसको आप कहाँ शो करेंगे? टेबल नंबर 13 में. और अगर कोई भी ऐसा आईटीसी जो आपने 18-19 में लिया पर उसका रिवर्सल 19-20 में किया, उसका जो है आप जो रिफ्लेक्शन है वो करेंगे टेबल नंबर 12 में. सो ये आपको ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस प्लस, दैट इज दी फॉर्मूला गिवन अंडर 10, 11, 12, 13. प्लस टैक्स पेड इन नेक्स्ट ईयर, माइनस एडजस्टेड इन नेक्स्ट ईयर 12, माइनस आईटीसी एडजस्टेड इन नेक्स्ट ईयर 13, प्लस आईटीसी टेकन इन नेक्स्ट ईयर. दैट इज हाउ दिस 10, 11, 12, 13 ब्रिजेस दी टोटल टैक्स पेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, बट 1819 एंड 1920 एट वन प्लेस. सो 1920 के पूरे जीएसटीआर 3B में जो टैक्स पे हुआ था, उसमें से जो 18-19 से पर्टेन करता था, उसको कार्व आउट करके इन्होंने यहाँ पर 18-19 में टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 के माध्यम से ले आया. अब सवाल आता है, 17-18 का जो टैक्स 18-19 में पे हुआ, या 17-18 में एक्सेस टैक्स जो 18-19 में एडजस्ट हुआ, सिमिलरली आईटीसी, बहुत ही सरल शब्दों में, अगर मेरा टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 17-18 के एनुअल रिटर्न में फाइल्ड है, तो उस डेट यहाँ पर कहाँ दिखाऊँ? सर, ये सबसे बड़ी कमी आज की डेट में एनुअल रिटर्न फॉर्म में है. जब तक ये कमी पूरी नहीं कर देती गवर्नमेंट, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कोई भी एनुअल रिटर्न किसी की भी जिसके अंदर 17-18 की कोई भी एडजस्टमेंट 18-19 में हुई है, उस एनुअल रिटर्न को, 18-19 की उस एनुअल रिटर्न को थोड़े टाइम के लिए रोक लीजिए. रीजन बीइंग, गवर्नमेंट या तो नए कॉलम्स लेकर आएगी उसके लिए 17-18, 18-19, 17-18 के कोई भी जो इम्पैक्ट्स हैं उसके लिए, या कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस इशू करेगी. इंस्ट्रक्शंस किस रूप में हो सकती हैं? आप उन कॉलम्स के टोटल्स को छोड़ दीजिए, वो हम ऑटोमेटिकली आपका प्लस माइनस कर लेंगे फ्रॉम, दैट इज वन. सेकेंड, आप नेट फिगर शो कर दीजिए 10, 11, 12, 13 में. थर्ड, सर आप एक काम करिए, नेट फिगर शो कर दीजिए अपने टेबल नंबर 4 और 6 में. नाउ देर कैन बी मल्टीपल वेरिएशंस व्हिच कैन अराइज ऑन दिस पर्टिकुलर काउंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ 17-18 इन 18-19. इन माई हम्बल ओपिनियन आई विल बी रिफ्रेनिंग. मैं किसकी एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहूंगा,
मैं उस व्यक्ति की एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहूंगा जिसका कोई भी 17-18 का 18-19 में स्पिल ओवर नहीं है, बट अगर किसी का भी स्पिल ओवर है तो उसकी मैं अभी एनुअल रिटर्न को होल्ड करूंगा, गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन की वेट करूंगा। जब गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर देगी अकॉर्डिंगली मैं फ्लॉलेसली अपने क्लाइंट की रिटर्न को फाइल करने की कोशिश करूंगा। आई होप आई एम मोहित जी, आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। एनी मेंबर हैज एनी फर्दर क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर इंटर एडजस्टमेंट्स बिटवीन 17-18, 18-19, 19-20, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट। सर इस इट मींस कि अभी मतलब सिंस फॉर्म में तो कोई अमेंडमेंट अभी तक हुई नहीं है, सो इट मींस कि वी हैव टू वेट, मतलब वी शुड नॉट प्रोसीड फॉर दैट। सर तो इसमें ना मेरा एक एड ऑन क्वेश्चन सिर्फ यही है कि जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि 5 करोड़ से नीचे की अगर टर्नओवर है तो आपके लिए ऑप्शनल कर दिया है जीएसटी ऑडिट, मतलब ठीक इट है इज सर। नॉट मैंडेटरी। तो अगर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है तो इसका मतलब एनुअल रिटर्न भी उसको फाइल करने की सर जरूरत नहीं है। होपफुली यस सर। ठीक है सर, अब मेरा सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ यही है कि मान लीजिए 18-19 में उसके बहुत सारी एडजस्टमेंट हुई हैं सर, फाइनली उसने टैक्स पे कर दिया सारा का सारा, बट देर आर एडजस्टमेंट 17-18 की भी हैं, 19-20 की भी हैं, तो क्या ये रिकमेंडेशन किया जा सकता है कि एनुअल रिटर्न फाइल कर दीजिए, अदरवाइज डिपार्टमेंट नोटिस भी दे सकता है अगर आपके केस में ज़्यादा स्पिल ओवर है तो सर। देखिए अगर किसी के केस में स्पिल ओवर्स है और उसका केस फाइलिंग में आ जाता है, डीम फाइलिंग का क्या ये मतलब नहीं है कि हमने जो भी GSTR 3B में है उसी को पूरा एक्सेप्ट करना है, या वन में जो डेटा है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वही हमारी फाइलिंग है, नहीं सर। तो टैक्सेस पे करें 3B, वो हमारे टैक्सेस मान लिए जाएंगे कि दैट इज द टैक्सेस रिलेटेबल टू 18-19 और 17-18, वॉट एवर स्पिल ओवर है, इवन दो दे आर बिलो द लिमिट प्रिस्क्राइब बिलो विच इट इज ऑप्शनल, इन दोज केसेस आई कंप्लीटली एग्री विद यू, यू शुड फाइल योर एनुअल रिटर्न। उससे क्या आप कार्विंग आउट कर देंगे रिस्पेक्टिव टैक्सेस की, कल को जब भी ऑडिट होगा तब आपको इसमें झगड़ा नहीं पड़ेगा। हमने क्या देखा है, हमने कई स्टेट्स के अंदर से जब नोटिस आए थे, पर्टिकुलरली कर्नाटका, गुजरात, इवन आई थिंक तेलंगाना इज वेरी वेरी प्रोएक्टिव, केरला, सम ऑफ द स्टेट्स आर वेरी प्रोएक्टिव इन मैचिंग देयर GST 1 3B वीजा वी एवरीथिंग। नाउ इन दीज पर्टिकुलर केसेस व्हाट वी हैव सीन इज, को हमने उसका कहा था आपके जुलाई और अगस्त के अंदर ये डिफरेंसेस आए हुए हैं, हमने कहा सब ये डिफरेंसेस जो हैं सितंबर के अंदर इट हैज़ बिन रेक्टिफाइड। अब थोड़े टाइम के बाद हम क्या देखते हैं, वो नोटिस फिर आता है, क्योंकि ये चीज़ें अगर कहीं पर रिटर्न के अंदर इम्बाइब होती, ये कॉलम होता कि आप कौन से पास पीरियड का टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये सब झगड़े नहीं पड़ते। मैं मोहित जी आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, एनुअल रिटर्न इज द ओनली वे टू डिमार्केट द टैक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर एट वन प्लेस, एंड दैट पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन विल कवर योर डिक्लेरेशन विद द गवर्नमेंट की देखिए साहब 18-19 का इतनी वैल्यू का, तो हमने अगर सपोज 100 रुपए के में से 90 रुपए 18-19 में और 10 रुपए 19-20 में, तो मैंने 100 रुपए पे टैक्स पे कर दिया है रिलेटिंग टू 18-19। सो दैट पर्टिकुलर थिंग आई लीव इट टू दी मेंबर्स, मेरी अपनी रिकमेंडेशन है कि थोड़ा टाइम रुकिए, सितंबर तक के लिए डेट बढ़ी है, बट अभी तक फॉर्म जो है वो प्रॉपर इस फॉर्मेट में नहीं है कि हम इसको पूरी तरीके से कह सकें कि ऑल डिक्लेरेशंस आर फॉर्म। सो मूविंग फर्दर, टेबल नंबर 14 अगेन कोई डिफरेंशियल टैक्स है 10 और 9 के कारण आ रहा है जो आपने पे करा है, तो वो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना। 15 अगेन टेबल नंबर 15 आपके लिए ऑप्शनल है रिफंड्स। आई एम होपफुल दैट 17-18 और 18-19 में भी कोई शो कॉज नोटिस टू माय हम्बल ओपिनियन मेजरली नहीं इशू हुए थे, केवल और केवल ईवे बिल की डिटेंशन अंडर सेक्शन 129 एंड 130 हुई थी, और उसकी कोई डिमांड्स अगर आई हो तो आई हो। यस रिफंड्स, अ लॉट ऑफ रिफंड्स वर इशूड इन 17-18, 18-19, 19-20। अगर आपको उनकी डिटेल्स देनी है, ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं दे दीजिए, नहीं तो नहीं। सिमिलरली 16 के अंदर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो ऑप्शनल है, देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 17 एंड 18 टेबल नंबर, अगेन फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, दी रजिस्टर्ड पर्सन शैल हैव एन ऑप्शन नॉट टू फिल दिस टेबल। सो अगर कोई भी आपके पास डेटा अवेलेबल है एंड यू आर वेरी थरो विद द डेटा, तो
इट इज ऑलवेज गुड टू शेयर दैट डेटा विद द डिपार्टमेंट, बिकॉज आपके ऊपर कभी भी कल को सप्रेशन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 74 अलेज नहीं कर सकता डिपार्टमेंट. बट अगर आपके पास नहीं है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज बेटर नॉट टू शो हाफ बेक्ड डेटा इन दिस पर्टिकुलर टेबल. सो प्लीज रिमेंबर दिस वन स्मॉल वर्ड ऑफ कॉशन फ्रॉम माई साइड. लेट फीस वगैरह आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए. नाउ देर इज वन जजमेंट विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50. सबको पता है 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने ये डिसाइड किया था कि इंटरेस्ट केवल नेट पे लगेगा, मीनिंग देयर बाय द अमाउंट विच वाज पेएबल बाय डेबिट ऑफ कैश लेजर. इट वाज नॉट दैट इट इज ओनली द टैक्स लायबिलिटी इज नेट, व्हिच इज अ मिसकंसेप्शन. टैक्स लायबिलिटी इज ऑन द ग्रॉस अमाउंट. आईटीसी इज ओनली अ मैकेनिज्म टू पे द टैक्स, आउटपुट टैक्स. नाउ एयरटेल, वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय ऑनरेबल भारती एयरटेल. द ऑनरेबल कोर्ट अलाउड और इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट टू एक्सेप्ट द रिवाइज फाइलिंग ऑफ रिटर्न जीएसटीआर 3B, वेयर बाय द फिगर्स ऑफ क्रेडिट कैन बी रेक्टिफाइड बाय द एपेलेंट, एंड दैट पर्टिकुलर फिगर्स वर टू बी इफेक्टेड टू वेरी यू नो टू इफेक्ट द क्लेम विच इज मेड बाय द असेसी. सो विद इन द पीरियड ऑफ 2 वीक्स वॉज यू नो दिस आफ्टर फाइलिंग ऑफ रेक्टिफाइड जीएसटीआर 3B. नाउ देर इज नो टर्म कॉल्ड रेक्टिफाइड जीएसटीआर 3B इन जीएसटी स्टैच्यू, बट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट हैड सेड दैट वी अलाउ द रेक्टिफिकेशन ऑफ जीएसटीआर 3B एंड वी रीड डाउन द पैरा 4 ऑफ सर्कुलर नंबर 26/26/2017 एंड दे हैव अलाउड भारती एयरटेल टू रीफाइल देयर करेक्ट GSTR 3B. Correct why I am saying so? Because in this particular petition, the appellant had contested that he had filed the GSTR 3B, presuming that it was not the final return and it was only an intermediate return, and GSTR 3 will come again. And therefore, the correct figures of ITC were not reflected in the GSTR 3B for the period from July till I think September 2017. Now, for that particular period, 3B is allowed to be rectified by the Honorable Delhi High Court, and department was instructed to verify the claim and give effect. Why it was very important to give effect? Because वो अपना ITC बढ़ाकर अपने कैश लेजर में अपनी अमाउंट्स को वापस लेना चाह रहे थे ताकि वो उसका रिफंड ले सके. एंड देयर फॉर दिस पर्टिकुलर पिटीशन केम एज अ बिग रिस्पाइट टू दी असेसी. Now, why this particular judgment is very, very important? Because somewhere again, 3B as a return has been challenged, meaning thereby 3B was seen as a stopgap arrangement and it was not seen as a return under Section 39. Today also, if we say that is 3B a return, there are a lot of question marks on this particular topic. Reason being, under Rule 61, Subrule 5, wherein this particular return was introduced, it said that when the time limit for filing of GSTR 2 and 3 is extended by the commissioner, in those particular case, 3B will be required to be filed and will be considered as a return under Section 39. Now, again, there are conditions. Those conditions again will be tested before honorable courts. And I can tell you, if you are sitting on some major payment of interest, one should contest that particular liability, more particularly with the judgment of Honorable Gujarat High Court in the case of AAP and Company, where GS3B was not a virtue of an amendment. It was later, after the judgment, it was rectified by the government from a retrospective date. This particular rule has gone into a lot of retrospective amendment. But interestingly, Section 39, the amendment which was brought in there, was not affected by way of notification by the government. A lot of lacunas right now in the entire system. I would say the better word would be there are a lot of issues
which are yet to be examined by honorable courts, and I am sure many of the assessors will take up those particular issues before honorable courts. Let's wait and watch. Let's wait the fate of this particular form, GSTR 3B, whether it will be held to be a return in the coming times or not. Not even till the point when the error was rectified, even beyond, and I can say till today, whether GSTR 3B is a return is a big, what you can say, a dilemma. It's a big suspense for everyone. कि हम जो हर महीने फाइल कर रहे हैं वो है क्या? सो आई थिंक विद दिस पर्टिकुलर वर्ड्स मैंने एनुअल रिटर्न पूरा कवर कर लिया है. मोहित जी, अगर मैं ऑडिट शुरू करूंगा, वी कैन टेक अप द क्वेरीज ऑफ द मेंबर्स. ऑडिट अगेन रिक्वायर्स अनदर 2 आवर्स ऑफ डिलिब्रेशन. आई हैव टच्ड अपॉन सम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ रिसेंट टाइम्स. स्टिल, इफ एनी मेंबर फील नीड्स एनी क्लैरिफिकेशन ऑन एनी एस्पेक्ट, आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू put his question now put forward before the August house. The house is open for all kinds of question. सर बेटर बेटर टू टेक द क्वेरीज ऑडिट के लिए हम कोई दूसरा नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में सर एक सेशन कर लेंगे सर। श्योर सर, डन. अच्छा एक दो क्वेरीज आई है सर चैट बॉक्स में, मैं पढ़ देता हूँ। एक सबसे पहले, प्लीज हाँ, प्लीज सर. देर इज ए क्वेरी दैट देर वॉज ए केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर जिसमें 17-18 की रिटर्न सर GSTR 3B जो रिटर्न थी वो सर September 19 में फाइल हुई है सर। नाउ उस बंदे ने सर आउटवर्ड लाइबिलिटी पे की और ITC भी सेट ऑफ किया और डिपार्टमेंट ने सर ITC डिनाई कर दिया और 24% का इंटरेस्ट मांग रहा है। सो हाउ टू प्रोसीड इन दैट केस सर। ITC जो उसने डिनाई कर दिया. नाउ सर, अगेन अब इशू ये आता है, भट्ट साहब का जो क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्टर ने 17-18 की रिटर्न जो है वो डिलेट फाइल करी एंड September 2019 में करी, लेटेस्ट से. ठीक है सर, अब 17-18 का जो क्रेडिट है वो हम कब तक ले सकते थे? वो हम ले सकते थे March 19 तक, इवन लुकिंग इनटू द एक्सटेंडेड टाइमलाइन गिवन अंडर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नंबर 2. सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट इस केस के अंदर डिपार्टमेंट नहीं देगा, बट अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ने टाइम एंड अगेन टाइमलाइंस रिलैक्स करी है GSTR 1 के लिए भी और 3B के लिए, जहाँ पे लेट फीस को रिड्यूस करा है. तो अगर आप एक तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर करके यू आर वांटिंग दैट एवरीबडी शुड पुश कंप्लायंस एंड फाइल देयर रिटर्न्स, ऑन दी अदर हैंड यू कैन नॉट होल्ड देम इनटू डेट्रीमेंट एंड टेल देम कि नो, आई विल नॉट अलाउ यू क्रेडिट. टेक्निकली यस, बट देन इफ यू आर टॉकिंग टेक्निकली एंड यू आर नॉट पुशिंग द नेशन टूवर्ड्स कंप्लायंस, यू प्लीज स्टिक टू पुटिंग लॉट ऑफ लेट फीस एंड पेनल्टीज ऑन दैट फॉर द बैक पीरियड ऑल्सो. देन इन दैट पर्टिकुलर केस, टू माई हम्बल ओपिनियन, इवन वेन देर इज अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द एस एस सी, द कोर्ट्स माई टेक अ सॉफ्ट व्यू इन फेवर ऑफ द एस एस सी. सो प्लीज टेक दैट पर्टिकुलर मैटर टू कोर्ट, एंड कोर्ट्स शुड डेफिनेटली give this particular thing. Do not think that this is your vested right because the limitation is not fulfilled by you. But yes, you can definitely say that the relaxation is itself a policy adopted by the government, and therefore relaxations cannot be seen merely from the perspective of late fee. It is basically the idea of compliance which need to be from which from what perspective this particular GSTR 3B is to be seen. So please do not give it a lopsided view. But sir, पूरा पूरा जो release है वो जो relief है वो मिलना चाहिए SSC. सर एक क्वेश्चन है, मतलब वाइल डूइंग GST ऑडिट ई वे बिल्स का सर थोड़ा सा अगर 2 मिनट बता सके, व्हाट आर द रोल्स ई वे बिल्स को कैसे चेक करना है, मतलब हाउ टू प्रोसीड विद सर, दैट। अगेन ई वे बिल्स जो हैं दे आर ओनली एन इंटीमेशन टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स. दैट इज व्हाट द प्रोविजन सेज, रूल 138. व्हेन यू डील विद इट, इट सेज ऑन और बिफोर, इट इज एन इंटीमेशन इंटीमेटिंग द डिपार्टमेंट अबाउट द मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स. इफ यू हैव नॉट इंटीमेटेड, दैट डज नॉट मीन दैट देर इज समथिंग विच इज टू बी डन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर. ऑडिटर डज नॉट नीड टू, बट I am very, very categorical in saying auditor need to substantiate that there is a supply has happened and there is a supply received when they are talking about input tax credit. So if you have proper BILTIs, GSTR, weighbridges,
वेब्रिज स्लिप्स, लुक इनटू एनी टोल स्लिप, कोई भी ऐसा प्रूफ जो ये बता दे कि साहब ये माल आया है तो गया है, चाहे आपने ईवे बिल फाइल किया है या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। ईवे बिल तब तक डेंजरस है जब तक ड्यूरिंग दी शिपमेंट अगर वो ट्रक पकड़ा जाए, अगर वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया ट्रक, तो ईवे बिल की 129-130 की पेनल्टी नहीं लग सकती। एम आई वेरी क्लियर सर? सो आई राइट होप आई हैव आंसर्ड दिस। ईवे बिल को आप पॉजिटिव सेंस में देखिए, लिमिटेड रोल के लिए देखिए, बट उससे बड़ी चीज है आप अपने एक्चुअल सप्लाई और एक्चुअल रिसीव पे ज्यादा तवज्जो दीजिए। अच्छा सर, एक क्वेरी आई है कि 17-18 का आरसीएम जो है सर, वो जनवरी 20 में पे किया है DRC 03 से, तो क्या उसका ITC ले सकते हैं? श्री कुमार जी, टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट ऑन विच यू कैन टेक द क्रेडिट? इट इज बेसिकली द डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैव बीन लिस्टेड इन रूल 36, सब रूल 1। उसमें क्या क्या आता है सर? इनवॉइस अंडर रूल 36 1, सॉरी सेक्शन 31, सेल्फ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 सब क्लॉज एफ, बिल ऑफ एंट्री, ISD इनवॉइस और अ डेबिट नोट अंडर सेक्शन 34। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप कोई भी ITC का क्रेडिट ले सकते हैं। सो माय डियर सर, द इनवॉइस व्हिच इज इशूड बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, इवन इफ द लायबिलिटी इज ऑन द बायर, इज द डॉक्यूमेंट बेसिस व्हिच यू कैन टेक द क्रेडिट। और इन केस द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, देन द बायर इज सपोज टू इशू अ सेल्फ इनवॉइस। इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेल्फ इनवॉइस यू कैन टेक द क्रेडिट। इफ द डॉक्यूमेंट ऑफ दीज पर्टिकुलर टू इनवॉइसेज, आइदर ऑफ देम, इज ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, द क्रेडिट एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 कैन बी टेकन अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सेप्टेम्बर ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। तो आप इस नॉर्म को ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर आपने 17-18 का टैक्स आज पे करा है, तो क्या आपने सेल्फ इनवॉइस 17-18 में इशू करी थी या 19-20 में? अगर आपने 17-18 में करी थी तो आज आप क्रेडिट नहीं ले सकते, अगर आपने 19-20 में करी है तो आप क्रेडिट ले सकते हैं। अब दोनों में दुविधा देखिए, 17-18 में करी थी तो आज आपने टैक्स पे करा, इंटरेस्ट दे दिया, मामला खत्म और आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। 19-20 में करी थी तो आज आपने टैक्स दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया और आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, बट आपको ITC मिल जाएगा, बट आपके ऊपर लेट इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस की पेनल्टी भी लगेगी। सो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान करिए, दीज आर ऑल द एंटायर चेन इज लिंक टू वन अनदर। सर पायल हाँ जी, हाँ प्लीज। पायल, पायल प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। गुड इवनिंग गौरव जी। मेरा गुड इवनिंग पायल जी। एक क्वेश्चन रिगार्डिंग 2A है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर 2A में आपका इनपुट कम आ रहा है तो आप उतना ही दिखाइए जितना होना चाहिए, इफ यू हैव सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स टू जस्टिफाई दैट। हाँ, जो आपने अभी करा है इन योर थ्री ठीक है बिल्स, सर, लेकिन जैसे अब हमने जब 17-18 की एनुअल रिटर्न जब फाइल की थी, तो आई हैव डिस्कस विद सो मेनी, ये मतलब कलीग्स लाइक बहुत सारे सीए थे, तो दे टोल्ड अस कि अगर आपने 2A में फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपीज का इनपुट आ रहा है और आप 150 आपने अपने बुक्स में क्लेम कर रहा है और 3B में भी क्लेम कर रहा है, और उसमें 100 इसलिए आ रहा है क्योंकि सामने वाले ने GSTR 1 फाइल नहीं किया, बट हमारे पास तो इनवॉइस है, तो उनका ये कहना है कि अगर आपने 150 अगर अभी एनुअल रिटर्न में दिखा दिया और 2A में कम है, तो इससे आपको नोटिसेस आ सकते हैं डिपार्टमेंट से कि आपने मतलब, और आप अननेसेसरी की उन सब चीजों में फंस जाओगे, लिटिगेशंस एंड ऑल। तो मतलब आई वॉन्ट टू से कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट सही है तो वाई बी अफ्रेड ऑफ दैट, मतलब हम क्योंकि क्यों। हाँ नहीं प्लीज, सॉरी सॉरी पायल जी, बताइए। नहीं, इट्स ओके। तो वही कि मतलब अगर हमारे डॉक्यूमेंट सही है, वी आर राइट एट आवर प्लेस, ठीक है, बट इवन स्टिल वी आर अफ्रेड कि नहीं हम कम कर देते हैं उसको, रिड्यूस कर देते हैं। सामने वाले की गलती है, उसने GSTR 1 फाइल नहीं किया, हमने उसको पेमेंट करी है, टैक्स भी पे किया, सब कुछ किया है, तो हाउ टू डील विद दीज टाइप ऑफ सिनेरियोज, मतलब पायल आपने जी, जो कहा। अब मैं हाँ आपको थोड़ा सा आंसर करता हूँ। मैंने आपको ड्यूरिंग दी डेलीगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि आपको ये देखना है कि आप 16(2) की कंडीशन फुलफिल करती हैं या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? आपके पास रिसीट ऑफ गुड्स
और सर्विसेज, उसका एक ड्यू प्रूफ होना चाहिए, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग इनटू व्हाट प्रूफ. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज बिकॉज ऑफ दी फेक इनवॉइस मेनेस, एक वो ही एक ऐसा एरिया है और वो सबको पता होता है, हर टैक्सपेयर को पता होता है कि कहाँ पे उसकी फर्जी परचेज है. अगर कोई जेन्युइन परचेज है और सामने वाले ने अपना GST R1 नहीं भरा, मैं एक स्टेप अहेड जाता हूँ, सामने वाले ने अपना टैक्स भी पे नहीं करा जो सप्लायर है, दैट ऑल्सो कैन नॉट टेक अवे दी ITC अवेलेबल टू दी रिसिपेंट एज ऑन डेट. रीजन बींग जो 16(2) की कंडीशन है, टैक्स शुड बी एक्चुअली पेड टू दी क्रेडिट ऑफ दी गवर्नमेंट, वो फुलफिल हो ही नहीं सकती बिकॉज जब तक GST R2 और 3 नहीं इफेक्ट होते, देर इज नो मैकेनिज्म विद दी बायर वेयर दिस पर्टिकुलर कंडीशन कैन बी इफेक्टेड. सो इन एब्सेंशिया ऑफ अ मशीनरी प्रोविजन, रेफर टू दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ रामसरन गंगासरन और फॉर दैट मैटर दिल्ली हाई कोर्ट इन द केस ऑफ सुरेश कुमार बंसल. इन एब्सेंशिया ऑफ अ मशीनरी मैकेनिज्म, थिंग्स कैन नॉट बी गो रेड टू द डेट्रीमेंट ऑफ द टैक्स पेयर. सेकेंड, देर आर प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने ये क्लियर करा है कि अगर देर इज अ बोनाफाइडी बायर, यू रेफर टू दी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ क्वेस्ट मर्केंटाइजिंग और फॉर दैट मैटर अराइज इंडिया. इवन इन द केस ऑफ अराइज इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस भी कर दिया था डिपार्टमेंट. सो अराइज इंडिया, क्वेस्ट मर्केंटाइज, फॉर दैट मैटर कॉरपोरेशन बैंक, फॉर दैट मैटर हीरूलाल बालचंद वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के एंटरप्राइजेस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. नाउ दैट इज अगेन अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. हीरूलाल वॉज अ ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जजमेंट. ऑल दीज जजमेंट से वन थिंग, इफ देर इज अ बोनाफाइडी एस एस सी, ही हैज फुलफिल्ड हिज कंडीशन, दी नॉन पेमेंट ऑफ दी अमाउंट बाई दी सप्लायर कैन नॉट बी अ रीजन टू डिनाई द इनपुट टैक्स क्रेडिट टू दी बायर. वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिसीजन ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक, इट वॉज सेड कि सर किसने नंबर दिया था सप्लायर को, गवर्नमेंट ने, मैंने नहीं दिया. सो एक्ट किसको कहता है मुझे टैक्स पे करना है, बनाया हुआ एक्ट, मर्जी से नहीं दिया. तो जब कोई भी चीज बायर ने अपनी मर्जी से नहीं करी और उसने बोनाफाइडी मैनर में एक एक्ट को कंप्लाई किया है, हाउ कैन दी डिनाइल ऑफ सच पर्टिकुलर क्रेडिट विच इज ऑलरेडी अ टैक्स पेड टू दी सप्लायर एज द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ कैन यू? सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्जर्वेशन विच हैज बिन ऑब्जर्व बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन. सो एक ही चीज पे मैं आपको कहूंगा, अगर आप बोनाफाइडी बायर है, आपका SSC टैक्स पेयर बोनाफाइडी है, सच्चा है, सही है, पूरा क्रेडिट लीजिए एंड दे आर द केसेस वर्थ फाइटिंग फॉर, राइट? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर देर इज अ क्वेरी, देर वाज अ डायरेक्टर इन ए कंपनी जो सर अपने इनवॉइस में कंसल्टेंसी इनवॉइस रेज करता था और अपने इनवॉइस में 18% GST कंपनी को चार्ज करता था। नाउ दिस हैज बीन क्लेरिफाइड बाय द डिपार्टमेंट, कुछ AR रूलिंग्स आए और उसके बाद डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज से कंफर्म किया कि अगर 192 में TDS कटता है तो आप एम्प्लॉई हैं, GST का रोल नहीं आएगा, और 194J में अगर आता है तो कंपनी को RCM में पे करना है। तो नाउ द क्वेश्चन केम कि सर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर एक बार टैक्स चार्ज हो चुका है, मीन्स डायरेक्टर ने अपने इनवॉइस में 18% GST चार्ज करके गवर्नमेंट को दे दिया है, तो वेदर द कंपनी इज नाउ अगेन रिक्वायर्ड टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज एंड देन टू क्लेम द क्रेडिट, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन पर क्या दो बार अब? ये जो दोनों एडवांस रूलिंग्स आई थी फॉर दैट मैटर, विच इज अमित अग्रवाल एंड क्ले क्राफ्ट, जिसने क्राफ्ट ने कहा डायरेक्टर्स पे नहीं रिवर्स चार्ज पे होगा, और अमित अग्रवाल के एडवांस रूलिंग ने कहा नहीं होगा. दोनों के अंदर कोई प्रॉपर रीजनिंग मेंशन नहीं है. सो एडवांस रूलिंग्स को तो आप प्लीज छोड़ ही दीजिए अगर उसके अंदर एक रीजन ऑर्डर नहीं है. मैं हमेशा कहता हूँ एडवांस रूलिंग्स को आपको रेफर नहीं करना है अनलेस यू फाइंड अ वैलिड एंड अ रीजन ऑर्डर देयर है, राइट? इट इज ओनली एप्लीकेबल टू हुम, इट इज एप्लीकेबल टू द एप्लीकेंट एंड हिज प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर, दैट इज ऑल. इट इज नॉट एप्लीकेबल इवन टू हिज पड़ोसी और इवन टू एनी अदर ऑफ हिज रिलेटिव. सो वाई ऑन अस? नाउ कमिंग ऑन टू द सर्कुलर ऑफ द गवर्नमेंट, इट वॉज टॉकिंग अबाउट द एंगेजमेंट ऑफ द डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, डायरेक्टर इज अ पर्सन ऑल्सो. डायरेक्टर कैन गिव 100 काइंड ऑफ सप्लाईज टू दी कंपनी, नॉट एवरी सप्लाई फॉल्स विद इन दर्सपेक्टिव और परव्यू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13.
रिवर्स चार्ज में केवल वही फॉल करेगी जो इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर है एंड विच इज नॉट फॉलिंग विद इन दी एम्बिट ऑफ दी एम्प्लॉयमेंट. सो वो जो सर्कुलर था वो केवल लिमिटेड था टू दी एक्सटेंट ऑफ डायरेक्टर सर्विसेज गिवन बाय पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय, राइट? बट इफ यू आर गिविंग एज अ पर्सन एनी अदर सप्लाई विच इज नॉट अ सप्लाई ऑफ डायरेक्टर सर्विसेज, देन इन दैट पर्टिकुलर केस दैट पर्टिकुलर रिवर्स चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज आई एज अ पर्सन कैन ऑल्सो गिव अ बिल्डिंग ऑन रेंट टू माई कंपनी. सो आई एम ऑल्सो डायरेक्टर इन दैट कंपनी. माई सप्लाई टू दी कंपनी इज नॉट इन कैपेसिटी ऑफ द डायरेक्टर, इट इज इन द कैपेसिटी ऑफ द लैंड ओनर. आई कैन बी दी ओनर ऑफ अ ब्रांड ट्रेडमार्क, आई एम गिविंग दैट ट्रेडमार्क फॉर यूज टू माई कंपनी, दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑल्सो विल नॉट फॉल प्रे टू रिवर्स चार्ज बिकॉज दैट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस एज अ डायरेक्टर, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस एज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड. देर कैन बी एन नंबर ऑफ सर्विस. सो अगेन इन द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एरिना ऑल्सो आई कैन आई एम अ डायरेक्टर इन टू अ कंपनी बट माई कंपनी ऑल्सो वॉन्ट्स अ वेरी स्पेसिफिक स्पेशलाइज यू कैन से टेक्निकल हेल्प और टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम मी. आई एम नॉट एक्टिंग इन दैट पर्टिकुलर केस एज अ डायरेक्टर, दैट पर्टिकुलर स्पेशल मैंडेट. नाउ ऑल द डीमार्केटेड मैंडेट्स आर कमिंग आउट ऑफ वॉट, दे आर कमिंग आउट ऑफ विद दी नंबर वन बोर्ड मीटिंग्स बिकॉज यू नीड टू टेक एन अप्रूवल एंड देर आर मिनट्स ऑफ बोर्ड विच विल से कि किस कैपेसिटी में क्या चाहिए. सेकेंड देर विल बी एंगेजमेंट लेटर्स विद द डायरेक्टर इन ऑल दीज डिफरेंट केसेस. सो बी वेरी क्लियर वी आर ओनली टॉकिंग विद द लिमिटेड स्पेस ऑफ अ डायरेक्टर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज अ डायरेक्टर टू अ बॉडी कॉर्पोरेट वेयर दिस पर्टिकुलर रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल. नाउ व्हेन यू मोहित जी यू हैड मेंशनड ही इज प्रोवाइडिंग द प्रोफेशनल सर्विसेज. नाउ प्रोफेशनल सर्विसेज इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर एंड देयरफॉर नो रिवर्स चार्ज वुड बी एप्लीकेबल इन दैट केस. Coming on to the last situation, it was a supply of service as a director and inadvertently the tax was paid by the director. Now in this particular case, the government cannot enrich itself twice on the same account. Now this is nothing new. You have plethora of judgments in income tax where TDS when it is not deducted but the other party has paid the proper taxes, the TDS cannot be recovered from the defaulting payer. So similar judgments in I think the most celebrated one was Hindustan Coca-Cola Honorable Supreme Court. You can refer to those particular judgments and apply them in the case of reverse charge also. But please do remember, whenever you say proper taxes has been paid and government cannot enrich itself twice, you need to produce the records of the other person. You cannot take a mere statement or you cannot show the mere tax invoice of that particular person stating that सर ये देखिए इसने हमसे टैक्स चार्ज किया था इसलिए हम रिवर्स चार्ज पे नहीं पे करेंगे. थैंक यू सर. सर एक और क्वेरी आई है व्हिच सीम्स टू बी बिट ऑफ प्रोसीजरल वन दैट सम मेंबर हैव डाउनलोडेड जीएसटीआर 2A फॉर 12 मंथ्स एंड फॉर एग्जांपल 2A में सर अगर वो 2A अलग से देख रहा है तो ये रहने दीजिए मोहित जी. ये बेस्ट ऑफ दी एक्सपर्ट्स आंसर नहीं कर सकते इसको. कोई बहुत ही टेक्निकल जीएसटीएन का ही मेंबर आंसर कर सकता है. आई थिंक आई एम माय अपोलॉजीज बट वो फिगर्स क्यों नहीं मैच कर रही जीएसटीएन के साथ. सर जीएसटीएन खुद आई एम गोइंग इनटू दिस. ओके सर देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. एक सर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कॉन्ट्रैक्टर गए कंपनी के साथ और सर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्टिंग पीरियड सर डिस्प्यूट हो गया और मैटर कोर्ट में चला गया सर. सो द लिटिगेशन वाज लाइक दैट कि कॉन्ट्रैक्टर वाज क्लेमिंग कि मेरे को मेरा 5 करोड़ रुपए बनता है कंपनी वाज सेइंग आपका 2 करोड़ रुपए बनता है फॉर द वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर. सर कोर्ट ने सर फाइनली सेटल कर दिया कि 3.5 करोड़ रुपीज कंपनी विल पे टू द कॉन्ट्रैक्टर और उसमें जजमेंट में सर नथिंग हैज बीन रिटन कि वो इंक्लूडिंग जीएसटी एक्सक्लूडिंग जीएसटी है. Now company is ready to pay 3.5 crore but contractor is saying कि 3.5 crore plus GST होना चाहिए. मतलब सर जजमेंट पे कहीं पे ये लिखा है कि 3.5 crores is towards the value service और total value payable कहीं पे कुछ mention होगा. ओके सर वो मैं फिर 1-to-1 में आपसे फिर डिस्कस करूंगा. वो आप 1-to-1 जजमेंट जब तक नहीं शेयर करेंगे इट विल बी वेरी टफ बिकॉज़ वी हैव टू देन डिसाइफर द फाइन वर्ड्स रिटन बाय द ऑनरेबल कोर्ट.
राइट, वो मैं फिर आपसे सर बाद में वन टू वन डिस्कस कर लूँगा। इफ ओके देर इज एनी अदर क्वेरी फ्रॉम द मेंबर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, या फिर क्वेरी सर आप टाइप भी कर सकते हैं। गौरव जी, हेलो। यस सर बताइए। मेरी क्वेरी है, जैसे मैं ट्रांसपोर्टर हूँ और मैं फॉरवर्ड चार्जेस लगा रहा हूँ 12%, ठीक है सर, तो उस केस में मैं जैसे मेरे दो तीन क्लाइंट ही है जिसको मैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ और 12% में हूँ, तो अब जैसे ये हो सकता है कि रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड दोनों मिक्सअप चल सकते हैं एक ही सर जीएसटी में? गर्ग साहब यहाँ पर ना एक छोटा सा इशू क्या है, एक कंडीशन है फॉरवर्ड चार्ज में कि अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर लिया तो ट्रांसपोर्टर को ये ऑप्शन नहीं है कि वो रिवर्स चार्ज के अंडर कोई भी अपनी सर्विसेज रखे, उसकी सारी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में आ जाए। ठीक है सर, सो ये एक कंडीशन इन्होंने रेट नोटिफिकेशन में लिख दी है। और दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज इनहेरेंट फॉर अडॉप्टिंग दैट पर्टिकुलर रेट, इसलिए मेरा आपसे हम्बल सजेशन रहेगा इसको मिक्स मत करिएगा। आप स्विच कर सकते हैं 5 से 12, 12 से 5। मेरा है ना स्पेसिफाइड 4 क्लाइंट है जिसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब अभी जैसे अभी तक तो सेम चल रहा था, फॉरवर्ड चार्ज वाला सब एग्रीमेंट। अब वो एक क्लाइंट इस बात पे वो हो रहा है रिजिड के मुझे ना रिवर्स चार्ज में पे करना, मुझे रिवर्स चार्ज के बिल दो, जबकि फॉरवर्ड चार्ज के इशू कर चुके हैं, तो ये एक इशू आ रहा है। सर उसको थोड़ा सा कमर्शियल एंगल से उनको हैंडल करना पड़ेगा, और दे कैन यूज दी सर्विस ऑफ सम मिडल जीटीए वेयर बाय दे कैन सप्लाई दी ट्रक्स टू दैट जीटीएस जीटीओ। सो वो स्ट्रक्चरिंग थोड़ी बहुत करनी इश्यूज को देखते हुए, क्योंकि मार्केट रोज एक नई डिमांड करती है। एक बहुत पुरानी कहानी है कि सबको खुश नहीं कर सकता, सो बिजनेसमैन को ये बात समझनी पड़ेगी। एंड प्रोफेशनल कैन नॉट बी अ पर्सन हु कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन टू एवरी केस। अगर वो उसके कमर्शियल, उसके पास दो ही सिनेरियो, आप उसको क्लियर कह सकते हैं कि आप या तो 5% में आ जाइए या 12 में आ जाइए, मैं दोनों जगह आपका केस क्लियर कर सकता हूँ। बट अगर आप 5% और 12% में दोनों में मिक्स जा रहे हैं, दैट इज नॉट एन ऑप्शन गिवन अंडर लॉ। अब आपका अगर एसएससी जिद कर रहा है तो मैं कानून कहाँ से बदल दूँ उस चक्कर में? और अगर मैंने आपको कानून के अंदर जरा सा भी कंफर्ट दिया तो कल को जब डिमांड आएगी तो वो कौन भरेगा? ये इस पे कोई नोटिफिकेशन आ रहा है क्या ये वाला? नोटिफिकेशन नंबर 11/2000 कंडीशन आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एज अमेंडेड टाइम टू टाइम। सो ये अमेंडमेंट कहीं जाकर 2019 में आई थी जीटीए की, अगर कहीं 1 सेकंड होल्ड करिए मैं आपको एग्जैक्ट बता ही देता हूँ। इसकी एंट्री है, इतनी एंट्रीज हैं गर्ग साहब किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं उनको याद रखना। 2019 में तो 2019 का नंबर रेट वाला नहीं है ना, फिर नहीं, हेडिंग नंबर 9965 में है। 1 सेकंड बस मैं पहुंच गया हूं वहां पे। इसके अंदर आपका है क्लॉज 3, सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्ट इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऑप्टिंग टू पे सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 6% अंडर दिस एंट्री शेल देंस फोर्थ बी लेबल टू पे 6% ऑन ऑल सर्विसेज ऑफ जीटीए सप्लाइड बाय। ये कंडीशन आप उसको पढ़वा दीजिए, ही विल बी वेरी क्लियर विद इट। सर, लेकिन अगर एक एक जीटीए के पास दो जीएसटी नंबर हैं तो फिर देन ही कैन गो फॉर डिफरेंट ऑप्शंस, मतलब एक में रिवर्स चार्ज एक में फॉरवर्ड चार्ज, ये पॉसिबल है सर? दो जीएसटीएन नंबर है, नहीं मान मतलब अलग अलग स्टेट में, मतलब एक दिल्ली में एक हरियाणा में, मान लीजिए अलग अलग नंबर। गया, मान गया मैं, बट यहाँ पर जो इन्होंने वर्ड यूज करा है वो यूज करा है ट्रांसपोर्टर, इन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन यूज नहीं करा। बहुत ओके सर, इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर विल बिकम दी सिंगल ट्रांसपोर्टर राइट बिटवीन अ राइट रजिस्टर्ड पर्सन एंड दी ट्रांसपोर्टर पर से। सो टू राइट माय राइट हम्बल ओपिनियन आई विल ऑल्सो नॉट गो इन टू दैट पर्टिकुलर डिबेट। इफ आई विल बी गोइंग आई विल बी मेकिंग अवेयर माई क्लाइंट एंड राइट टेलिंग इम कि भैया कल को ये झगड़ा तेरे पास पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है।
दिव्या आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी दिव्या। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर जो 180 डेज में रिवर्सल वाला पॉइंट आता है हमारा अंडर सेक्शन 16(2) रेडविड रूल 37, जिसमें वो बोलता है कि हमारे को 180 डेज में अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो उसकी रिवर्सल होगी, तो ये जो सेक्शन है मोहित जी, हाँ देयर जी इज सम सिग्नल प्रॉब्लम आई थिंक। दिव्या आप एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछ लीजिए एक बार, अदरवाइज आई कैन रीड आउट योर क्वेश्चन जो आपने लिखा है। नहीं, मैंने आई थिंक आई हैव रेड द क्वेश्चन ऑफ अच्छा दिव्या जी। ओके सर, दिव्या जी, इफ यू अलाउ, कैन आई आंसर द क्वेश्चन? शायद दिव्या का सर सिग्नल, आप एक बार आंसर कर दीजिए सर क्वेश्चन, कोई नहीं। मोहित जी, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि जो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय दिव्या जी, कि भाई रूल 37 के तहत कोई जो मैकेनिज्म है GSTR 2 का, आई थिंक यू आर बैक ऑन लाइन। तो रूल 37 के तहत GSTR 2 का जो मैकेनिज्म है वो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। तो मेरे को जो 16(2) में जो रिवर्सल करना है, क्या क्या वो रिवर्सल मेरे को जरूरत है टेक्निकली? इफ आई से टेक्निकली, यू डोंट हैव टू डू इट, देर आर एन नंबर ऑफ केसेस वेयर यू कैन रेफर देम एंड से कि इफ द मशीनरी प्रोविजन इज नॉट प्रॉपर, देर कैन नॉट बी अ लाइबिलिटी ऑन द टैक्स पेयर, बट देर आर केसेस वेयर द ऑनरेबल कोर्ट्स। हेलो मोहित जी, एम आई ऑडिबल? सर आवाज आ रही है सर आवाज। हाँ, नहीं, बेसिकली बीच में कुछ मेंबर्स की टूट रही थी तो मैं देखना चाहता सिग्नल कहीं मेरे एंड पे तो नहीं खराब नहीं नहीं सर हुआ। आपका ठीक है आप। तो देर इज अ फेलियर इन द मैकेनिज्म एंड इन एब्सेंशिया ऑफ अ प्रॉपर मैकेनिज्म द लायबिलिटी विल नॉट बी कास्टेड ऑन द एसेसी। अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, यू हैव वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। दिस इज वन पॉइंट व्हिच आई हैव बीन सेइंग, बट देन ऑन अ इफ द कोर्ट टुमारो रीड्स इट इन अ जुडिशियस मैनर एंड अगेन यू मे वेरी सेलिब्रेटेड जजमेंट ऑफ आर के गर्ग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, वहां पर उन्होंने क्या कहा है कि देर आर एरर्स एंड क्रूडिटीज विच मे बी देयर इन अ यू नो फिस्कल लॉ एंड इट विल बी ओवर द पीरियड विच विल इट विल बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर। सो अगर उस तरह का कोई व्यू अगर ले लिया कोर्ट ने, तो फिर वो ये कहेंगे कि जब आपके पास 3B दे दिया गया था तो आपने 3B को के अंदर रिवर्सल क्यों नहीं करा। सो मेरे हम्बल ओपिनियन में, अगर आपको कंप्लायंस करवानी है किसी क्लाइंट से, आप उसको पुश करिए कि ही शुड कंप्लाई, बट अगर कोई कोई किसी का रह जाता है 16(2) के तहत, इन दैट पर्टिकुलर केस दिव्या जी, यू हैव एवरी राइट टू पॉइंट आउट एंड फाइट द केस कोटिंग दिस पर्टिकुलर वॉट एवर राइट अप यू हैव जस्ट रिटन, इट इज परफेक्टली फाइन। राइट, नेक्स्ट वन राइट इज सर, क्लाइंट हैज पेड ITC फॉर फ्रेट अंडर रिवर्स चार्ज इन August 19। रिवर्स चार्ज को आपने कभी भी 10, 11, 12, 13 में नहीं सर आपका म्यूट हो गया, सर म्यूट हो गया, एक बार अनम्यूट कर दीजिए आपका। सॉरी सर, आई थिंक कुछ सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ जी मैंने ये कह रहा था कि आपको 10, 11, 12, 13 में कोई भी रिवर्स चार्ज को नहीं शो करना है, इट इज ओनली द टैक्स पेबल। रिवर्स चार्ज आपने जिस साल में पे करा है आपको उसी साल के अंदर उसको रिपोर्ट करना है इन टेबल नंबर 4। लेट मी रेफर टू द एग्जैक्ट टेबल नंबर, वन सेकेंड, टेबल नंबर 4G। तो उस साल में आप 4G में रिपोर्ट करिए जिस साल में आपने पे करा। सो दैट इज अ पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर। थैंक यू सर। ब्रिजमोहन जी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो सर प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए सर। मेरे को तो नहीं है, इफ देर इज एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनी मेंबर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए या चैट बॉक्स में डाल दीजिए,
अदरवाइज वी विल कंक्लूड द वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग. सर एक छोटी सी क्वेरी मैं पूछ लेता हूं सर तब तक. बिल वो जी, आई थिंक मेंबर्स को अगर कोई क्वेरी नहीं है तो आप बेशक से ऑफलाइन कभी भी बैठ पूछ लीजिएगा. हाँ हाँ सर मैं इट तो इज टाइम दैट आई थैंक ईच एंड एवरी मेंबर फॉर द पेशेंट लिसनिंग. आई थैंक नॉर्थ कैंपस स्टडी सर्कल, आई थैंक प्रकाश जी, मोहित जी, ऑल द सीनियर मेंबर्स ऑफ दिस स्टडी सर्कल फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस पर्टिकुलर डेलीगेशन. सो फ्रॉम माई साइड आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ. थैंक यू गौरव जी फॉर सच ए वंडरफुल डेलिब्रेशन. टुडे वी हैव कवर्ड एनुअल रिटर्न नॉट स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल ईयर 18-19, बट मेन वाइल गौरव जी हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द पॉइंट्स विच वी नीड टू बी फोकस्ड अलोंग विद द रेलिवेंट जजमेंट्स द कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज एंड एंड देन हाउ वी हैव टू प्रोसीड विद दैट. सेकेंडली ही हैव ऑल्सो रिक्वेस्टेड कि अगर आपकी 17-18 की कुछ एडजस्टमेंट्स हैं देन प्लीज होल्ड ऑन योर एनुअल रिटर्न. देयर मस्ट बी अ क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड फॉर दैट. विद दिस वी कंक्लूड टूडेज वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग. अगर आपकी इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरी आती है यू कैन जस्ट रीच एट मी और मैं गौरव जियो से आंसर ले लूँ, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू गौरव जी ऑल्सो. सो थैंक यू गौरव जी फॉर सच ए वंडरफुल डेलिब्रेशन एंड विल डेफिनेटली. कोई भी मुझे बोलना था. हाँ जी हाँ जी प्लीज प्लीज सर. सभी सभी मेंबर से रिक्वेस्ट थी कि जिसकी दो एनुअल मेंबर्स हमारे वो अपनी मेंबरशिप भी पे कर दें जो पेंडिंग है सभी की, जिसकी जिसकी पेंडिंग वो पे कर दें ताकि दो ग्रुप्स में प्रॉपर उसको रिमूवल ना करना पड़े, जिसके नाम रिमूवल करें वो ऐड हो जाए. थैंक यू यही नाम करें. थैंक यू बिरबान जी. तो जैसा बिरबान जी ने कहा कि प्लीज पे द एनुअल ड्यूज ऑफ कैलेंडर ईयर 2020 एंड थैंक यू गौरव जी एंड विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू अगेन इन अगस्त फॉर डेलिब्रेशन ऑन जीएसटी ऑडिट. थैंक यू सर. थैंक यू.